कम ऑन, यस गो फॉर इट दीक्षा. जियो मतलब जीवन, जियो मतलब जीवन. ये कौन सी पत्नी है यार, इतना प्यार मत करो अपने पति से, जियो में भी अपने पति को ढूंढ रही है. जियो मतलब मेरा जीवन. नो, सो एनीबॉडी नोस, सबसे टफ सवाल, जियो का फुल फॉर्म क्या है भाई साहब? एनीबॉडी? यस वी हैव समबडी. क्या बात है, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ऑडिटोरियम में कोई आंसर कर पाएगा. सर आपका शुभ नाम? मनोज डोरा. ओके मनोज जी, बताइए जियो का फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट इंप्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी. सर जियो में काम करते हो क्या आप? क्या बात है, राइट आंसर. ये गूगल, सर गूगल बताइए, गूगल बताइए, गूगल. नहीं 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 नहीं, सिर्फ वाइफ का फोटो है उनके बस. ओके थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन मनोज जी, यू आर द ओनली पर्सन इन द ऑडिटोरियम. अब मुझे पता नहीं वो गूगल था या कौन था, बट गूगल नहीं था भाई, कुछ भी बोलो, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच. हाँ सर जोर से बताइए वापस, पूरी ऑडियंस सुनना चाहती है. जॉइंट इंप्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी. जॉइंट इंप्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटी, सुन रहे हो मैरिड कपल? तो थैंक यू सो मच, आई हैव वन गिफ्ट फॉर यू प्लीज. ओके थैंक यू सो मच, नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. वाओ ऑलराइट, ओके वी आर रेडी बाय द वे, 30 सेकंड्स वी शुड स्टार्ट. सर कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन. प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर यार, ओनली मैन ओवर हियर, मतलब बाकी भी मैन है बट ओनली मैन टू से द आंसर. ओके थैंक यू सर, चलिए ओके वी आर रेडी. चल वो कैटेगरी छुपा लो, कैटेगरी छुपा लो, बस डेंजर जोन है. ओके गाइस गाइस मैं प्लीज रिक्वेस्ट करना, बैठ जाएंगे जब जल्दी से. वी आर रेडी टू स्टार्ट ऑफ, प्लीज प्लीज एवरीबॉडी कैन यू प्लीज सेटल डाउन एंड कैन वी हैव द बर्थडे बॉय एट द सेंटर प्लीज. ओके वी आर रेडी टू गो. Check, check, check. Okay. Please, please, everybody, can I please request you to settle down? Chaliye, can I request the birthday boy? आज बर्थडे बॉय इज लाइक अ सुपरस्टार, हर कोई उनके साथ फोटो खींचना चाहता है. कैसे भाई, अभी आपका दिन, आपका दिन है आप. ओके एवरीबॉडी वंस अगेन, आई बर्थडे बॉय मुझे मिल गया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए के लिए एवरीबॉडी. अरे आवाज नहीं आ रही, कम ऑन 3 2 1 सर प्लीज. सचिन भाई हैव अ सीट, एंजॉय, आई रियली रिस्पेक्ट फॉर द इनिशिएटिव 50th birthday par, and let me go on stage and introduce the person who will be taking the mic over for the next 1 hour or above. All right, so we are ready to go. So ladies and gentlemen, once again, a very warm welcome. Jo abhi abhi aaye hain, sabhi ka swagat hai. We are ready to start with the health awareness event by none other than the very, very, very amazing Mr. Atul Shah. He's a former successful businessman and now a devoted naturopath and health coach. Ladies and gentlemen, let me tell you, after surviving a crippling degenerative disease, AVN, that left him wheelchair bound in 2014. Khola wire. Yes, he helped himself. आगे का ध्यान से सुनिएगा. He helped himself naturally. So very important word over here. As the founder of the Ojas Life, he has dedicated himself to spreading health and well-being knowledge
for free, inspiring over 7 lakh people and joining again another 600, so 7,600,000 people again across India through seminar. Please give it up and welcome Mr. Atul Shah! Chali, 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 sir. Hello. Check. Chali, chali, kahan se? Yehi se? Hey. Thank you. There you go, guys. Come on, you're up. Thank you. Hello. Check. Hello. Check. Hello. Check. Thank you so much. थोड़ा सा साउंड कम कीजिए. थैंक यू सो मच. आज थोड़ा सा साउंड और कम कीजिए. थैंक यू सो मच. आज कितने लोग यहाँ पर जो बैठे हैं वो ये जानते हैं कि एक बर्थडे के नाम पर हेल्थ का एक सेमिनार होने वाला है. हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर? वाओ, लवली. सो आज एक मैं आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में, प्रोग्राम की शुरुआत में एक प्रॉमिस करता हूँ कि आज की ये डेट, आज सचिन भाई का बर्थडे है और 31 अगस्त, ये तारीख आपको जिंदगी भर याद रहेगी, ये मैं छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ. और ये मेरा कोई ईगो नहीं है, ये जिन्होंने भी मुझे पहले सुना है ये उनका एक्सपीरियंस है, ये उनका अनुभव है. क्योंकि वो जब भी मिलते हैं, 10 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, जब भी दोबारा मिलते हैं, अपनी कहानी शेयर करते हैं, तो उनको वो डेट याद रहती है कि किस दिन उन्होंने मुझे पहली बार सुना था. आज मैं आपसे कुछ ऐसे यूनिवर्सल फैक्ट मैं शेयर करने वाला हूँ. आपकी पूरी तमाम जिंदगी निकल गई, आपकी 50 साल की उम्र हो गई, 60 साल की उम्र हो गई, 40 साल की उम्र हो गई, या आप 20 साल के युवा हैं, लेकिन पूरी जिंदगी में आज तक जो बातें आपसे कही नहीं गई है या शेयर नहीं की गई है, उन बातों को आज मैं आपसे शेयर करूँगा. और वो बातें आज आपकी पूरी सोच, पूरे नज़रिए को बदलने के लिए हेल्प करेगी. अपने खाने पीने को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, न सिर्फ आपकी हेल्थ बल्कि आपके पूरे फैमिली की हेल्थ, पूरे परिवार की हेल्थ को अपग्रेड करने के लिए आज का ये सेमिनार आपको हेल्प करेगा. अक्सर एंटरटेनमेंट के नाम पर हम मूवीज देखने जाते हैं और 2 घंटे की मूवी देखकर आते हैं, और उस 2 घंटे की मूवी, उस 2 घंटे के पलों में बहुत सारा मनोरंजन करती है हमारा, बहुत सारा एंटरटेनमेंट होता है. लेकिन आज का ये जो मनोरंजन होगा, 2 घंटे भी पूरे नहीं होंगे, लेकिन आज का ये मनोरंजन आपको पूरी जिंदगी एंटरटेन करेगा, पूरी जिंदगी के लिए ये आपको हेल्दी रखेगा. और जब आप हेल्दी हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफलाइन जो है वो बढ़ जाती है. आज सचिन भाई अपने जन्मदिन के अवसर पर आपको रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं, और उस रिटर्न गिफ्ट में वो आपकी लाइफलाइन को और बड़ी और सुंदर और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं. एक बार उनके लिए ज़ोरदार तालियां हो सकती है. लवली, प्रेजेंटेशन आप स्क्रीन पर दे सकते हैं मुझे. अक्सर 2 प्रकार की ऑडियंस मुझे सुनने के लिए आती है, 2 प्रकार के लोग होते हैं सुनने वाले में. एक वो लोग होते हैं जो वाकई में अंदर से बहुत पेन में है, तकलीफ में है, दर्द में है, वाकई में अंदर से बहुत बीमार है, और उसी कारण से एक बार ऑप्शन में जाके फुल स्क्रीन कीजिए. हेलो, एक बार ऑप्शन में जाके फुल स्क्रीन कीजिए, थोड़ा वो नीचे का बॉर्डर हट जाएगा. दो प्रकार की ऑडियंस होती है, एक वो लोग जो बहुत बीमार है अंदर से, और एक दूसरे वो लोग
जो अभी तक ऐसी किसी भी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं हुए। तो आज की मेरी बातें आपको कितनी भी अच्छी लगे, लेकिन वाकई में वो इंसान सबसे पहले उसको एब्जॉर्ब करेगा जिसकी जरूरत ज्यादा है। यहां बैठी हुई ऑडियंस में अलग अलग लोग हैं और अलग अलग लोगों की जरूरत भी अलग अलग है। तो आज की मेरी बातें सबके लिए अलग अलग लेवल पे बेनिफिट करेगी। और दावे के साथ कहता हूं कि इंसान जन्म से अनुभव करने के लिए पैदा हुआ है, एक्सपीरियंस करके सीखने के लिए पैदा हुआ है। आप जहां पर भी रहते हो उसके आसपास में कहीं छोटे बच्चे भी होंगे आपके परिवार में या आपकी बिल्डिंग में अड़ोस पड़ोस में, आप उन बच्चों को एक बार जाके बोल दीजिए, बच्चों वहां वॉल पे इलेक्ट्रिक शॉकेट लगा है नीचे, उसमें कोई भी उंगली मत डालना। एक बार सिर्फ आप जाके बोल दो, उसके बाद मुझे आप लोग बताइए कि वो बच्चे क्या करेंगे। जरूर डालेंगे। और कब तक डालेंगे उंगली उसमें? जब तक करंट नहीं लगता, जब तक शॉक नहीं लगता। तो ये हम इंसान की फितरत है। जन्म से, अभी पीछे बैठे बैठे बात हो रही थी और वहां पे मैं ये अनुभव दे रहा था, मैं बोला बैक स्टेज हूं तो मैं ये बोल सकता हूं, स्टेज पे आने के बाद शायद मैं इतनी कड़वी बात वहां पे नहीं बोल सकता। लेकिन उन्होंने बोला, अजय भाई ने बोला कि नहीं नहीं आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला ठीक है, आज बोल के देखता हूं। सामने गोबर पड़ा हुआ है और कितना भी बोले कि भैया इसको छूना नहीं, ये गोबर है, गंदा है, लेकिन जब तक इंसान उसको अनुभव नहीं करेगा तब तक नहीं मानेगा, राइट? सो ये फितरत है हम इंसान की। तो यहां बैठे हुए लोगों में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका अब तक उचित समय नहीं आया है, लेकिन आज सचिन भाई ने बुलाया है और इसीलिए वो इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। सो कोई बात नहीं, इस स्क्रीन पे भी प्रेजेंटेशन नहीं अब तक मूव हो रहा है। मेरे सेमिनार्स पूरे देश में होते हैं और ये सारे प्रोग्राम करने के लिए मेरी एक ही शर्त होती है, एक ही कंडीशन होती है कि मैं आपसे एक रुपया भी इसका चार्ज नहीं लूंगा। मैं अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए प्रोग्राम्स करता हूं, मेरा बिजनेस कुछ अलग है। और आप इस बिजनेस के जरिए बिजनेस नहीं कर सकते, मतलब इस सेमिनार के जरिए बिजनेस नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते। तो टू द पब्लिक, फॉर द पब्लिक ये सारे प्रोग्राम होते हैं, राइट? स्क्रीन प्लीज, इस वाले स्क्रीन पे भी अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब तक ये टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक होता है तब तक मुझे आप लोग बताइए, इस धरती पर रहने वाले जितने पशु प्राणी हैं, जितने बर्ड्स एंड एनिमल्स हैं, उन सभी जीवों में सबसे ज्यादा समझदार कौन है? मुझे लग रहा है इसमें भी आप लोगों को डाउट है क्या, तो जरा खुल के जवाब देते जाइए। इतना डाउट में आप कंफ्यूज क्यों है इतना? लेट इट के बहुत सिंपल रखते हैं इसको। सबसे ज्यादा समझदार कौन है? इंसान। और इस धरती पे जितने पशु प्राणी है, जीव जंतु है, उसमें सबसे ज्यादा बीमार कौन है? तो अब मुझे आप सोच के जवाब दीजिए, अगर समझदार होता इंसान तो बीमार होना चाहिए था या हेल्दी होना चाहिए था, राइट? अच्छा, मुझे एक और बात का जवाब दीजिए कि इंसान ने अपनी हेल्थ के लिए क्या क्या डेवलप किया, हमने इंसानों ने अपनी हेल्थ को अच्छी रखने के लिए क्या क्या बनाया? योगा किसी ने कहा, थैंक यू सो मच। और मेडिसिंस, मेडिटेशन, लवली। और क्या बनाया? सॉरी, मेडिकल इंश्योरेंस, वो हमें हेल्दी नहीं रखती।
एक्सरसाइज, क्या बात है, छोटा बच्चा जवाब दे रहा है कि हमने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज क्रिएट किए, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद हमने बहुत सारे एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम बनाए ताकि इंसान की फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे। हमने मूवीज बनाए, हमने गेम्स बनाए, फिजिकल एक्टिविटीज के लिए बहुत सारे गेम डेवलप किए, हमने गाने बनाए, सिंगिंग, म्यूजिक, डांस, कितना कुछ डेवलप किया हम इंसान ने ताकि इंसान का मनोरंजन होते रहे और उसकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों ही बढ़िया चलती रहे। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इंसान बीमार है, और आज तक इस धरती पे आपने कभी भी किसी भी जानवर को बीमार होते हुए नहीं देखा होगा, और अगर किसी जानवर को, किसी पशु प्राणी को अगर आपने बीमार देखा है तो ज़रूर इंसान के साथ रहता होगा और इंसान का दिया हुआ खाना खाता होगा। Am I right or wrong? आगे बढ़ते हैं विषय पर। मेरे कहानी के बारे में छोटे में बताया गया है, 10 साल पहले एक बीमारी की वजह से मैं बिस्तर पे आ गया था, और बीमार होने के बाद उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था तो मैं डिप्रेशन में चला गया, और डिप्रेशन की वजह से मुझे सुसाइडल थॉट्स आने लगे। लेकिन पता नहीं कैसे भगवान ने मेरे मन में एक सवाल भेजा, और वो सवाल ये था कि मुझे ये बीमारी क्यों हुई है। सभी एक्सपर्ट से मैंने मिलना शुरू किया और सभी से एक सवाल मैंने पूछना शुरू किया कि मुझे बताइए कि मुझे ये बीमारी क्यों हुई है। अगर मुझे पता चले कि मेरी कौन सी गलत आदत की वजह से मुझे ये बीमारी हुई है तो मैं उस आदत को बदल दूंगा ताकि वो बीमारी आगे फैले नहीं। सिंपल लग रही है मेरी बातें, राइट? और इस सवाल का जवाब खोजते खोजते मुझे बहुत सारी बातें समझ में आने लगी, और मुझे पता चला कि इस धरती पे सबसे ज़्यादा बीमार इंसान है, और इंसान को होने वाली 90% डिजीज, 90% बीमारियाँ लाइफ स्टाइल डिजीज कहलाती है। यानी हमारी गलत जीवन शैली की वजह से, गलत खान पान की वजह से होने वाली बीमारियाँ जो है उसी को लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं। दूसरी मज़ेदार बात मुझे ये पता चली कि इंसान को होने वाली जितनी बीमारियाँ हैं उसमें से 90% जो लाइफस्टाइल डिजीज है वो सिर्फ और सिर्फ इंसान को होती है और दुनिया में किसी भी जीव जंतुओं को नहीं होती। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सुना कि किसी हाथी को खा खा के हाथी मोटा हो गया और मोटे होने की वजह से उसको डायबिटीज हो गई, ऐसा सुना आप लोगों ने? या फिर कभी ऐसा सुना कि घोड़ा बहुत ज़्यादा दौड़ रहा था, बहुत ज़्यादा उसने रेस कर ली और उसके घुटने खराब हो गए? या ऐसा कभी सुना चीता बहुत तेजी से दौड़ रहा था जंगल में और दौड़ते दौड़ते उसको हार्ट अटैक आ गया, ऐसा सुना आपने कभी? कभी किसी जानवर को आप लोगों ने चश्मे लगाते हुए देखा है? तो ये सारी बीमारियां केवल हम इंसानों को होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। आज मैं उन तमाम सवालों के आपको जवाब दे दूंगा जिसकी वजह से आज का इंसान बीमार है। मैं सिर्फ 25-30 साल पीछे जाकर, आप सोचिए, मैं आपको याद दिलाता हूं, आप थोड़ा 25-30 साल पीछे जाकर देखिए, पहले लोग 90 साल के होकर नेचुरल डेथ हुआ करती थी। 30-35 साल पीछे जाकर देखिए, लोगों की नेचुरल डेथ हुआ करती थी, बूढ़े हो जाते थे, ना उनको डायबिटीज हुई, ना उनका हार्ट फेल हुआ, ना उनको कैंसर हुआ, ना उनका लीवर फेल हुआ, ना किडनी फेल हुई, कुछ भी नहीं हुआ। बुढ़ापा, कमजोरी, खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया और उनकी डेथ हो गई। इसको कहते हैं नेचुरल डेथ। और आज समाज में अपने चारों तरफ देखिए, हर इंसान की मौत का कारण है कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई रोग। पूछिए क्या हुआ था, तो किडनी फेल हो गई। क्या हुआ था, हार्ट फेल, कैंसर, कैंसर या कैंसर, जो भी कहना है कह दीजिए, राइट? तो आज घर घर में हर व्यक्ति जिसकी भी डेथ हो रही है उसकी मृत्यु का कारण जो है कोई ना कोई बीमारी बन रहा है। तो ऐसा क्या हुआ 25-30 साल में कि
समाज हमारे बीच रहने वाले लोग इतने बीमार हो गए, इन सारे सवालों के जवाब आज के इस कार्यक्रम के जरिए मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। बहुत सारी बातें होगी हेल्थ को लेकर, और मेरी कोई भी बात अगर आपको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए, या फिर अंदर से आवाज आए वाह क्या बात कही है, या फिर वाव ये वाली फीलिंग आए, तो उस समय आप तालियां बजाकर मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आपकी तालियों से मुझे भी अच्छा लगेगा और तालियां बजाने से आपको भी बेनिफिट मिलेगा। आज से 10 साल पहले मेरी बीमारी से पहले की तस्वीर है स्क्रीन पर। जब मैं हेल्दी हुआ करता था तब कैसे दिखाई देता था उसे जरा आप स्क्रीन पर देखिए। भारतीय मानसिकता जो है, वी आर लिविंग इन अ डिजीज कॉन्शियस सोसाइटी। हमारा देश स्वास्थ्य के लिए अभी भी जागरूक नहीं है, हम बीमारियां आने के बाद ही जागरूक होते हैं, और इसीलिए हमारे देश में मोटे लोगों को हेल्दी कहा जाता है। और जैसे इंसान फिट हो जाए, फिर से स्लिम हो जाए, तो तुरंत लोग आपको पूछने आ जाएंगे, अरे क्या हो गया, कुछ बीमार हो गया। तो हमारे देश की मानसिकता को देखिए, पतले लोगों को बीमार समझते हैं और जैसे इंसान मोटा हो जाए तो उसको हेल्दी समझते हैं। मोटे लोगों को हमारे देश में हेल्दी कहा जाता है। तो ये बीमार होने से पहले की मेरी तस्वीर है, और जैसे ही मुझे सही गलत की जानकारी हुई वैसे ही मैंने अपने खान पान को बदल दिया, मैंने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया, और 2 साल लगे मुझे, 2 साल घर रहा और धीरे धीरे मैं अपनी बीमारी से ठीक होने लगा, और 2 साल में मेरे सारे MRI रिपोर्ट्स दोबारा किए गए और वो सारे रिपोर्ट्स जो है वो नॉर्मल आ गए। बिना दवाई बिना सर्जरी, किसी भी प्रकार का मेडिकेशन के बिना मेरी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। सिर्फ और सिर्फ अपने खान पान में बदलाव करके मैं बीमारी से ठीक हो गया, और जिसको आप कहते हैं मेडिकल मिरेकल, डॉक्टर की भाषा में जो बीमारियां ठीक नहीं होती और वो बीमारी अगर ठीक हो जाए तो उसको डॉक्टर कहते हैं मेडिकल मिरेकल। जिन पैरों को एक दिन डॉक्टर ने बेकार बोल दिया था, आज मैं आपके सामने स्टेज पर खड़ा हूं और ऐसे ही 2 घंटे खड़े रहकर बात करता हूं। दिन में कई बार ऐसे 2-2, 3-3 सेमिनार लेता हूं। सो ठीक होने के बाद मुझे पता चला कि जो बिस्तर पे पड़े हुए लोग होते हैं, देखिए ना, हर इंसान की ये फितरत होती है कि उसे कुछ अच्छा मिले तो अपने परिवार को, अपने दोस्तों को बांटना चाहता है। और जैसे मैं बीमारी से ठीक हो गया तो मुझे भी लगा कि मेरे हाथ में एक जादू की छड़ी लग गई है, मैं भी बीमार लोगों को ठीक कर सकता हूं। लेकिन तब मेरे लिए बीमारी की परिभाषा क्या थी? जो बिस्तर पे पड़े हैं वो बीमार। ये तो रह रह के मुझे पता चला कि बर्थडे पार्टी में आने वाले लोग जो बहुत सुंदर कपड़े पहनकर आते हैं, सज धज के आते हैं, परफ्यूम लगा के आते हैं, वो भी अंदर से बहुत बीमार होते हैं। मैं जान सकता हूं कि यहां पर कितने लोग हैं बैठे हुए लोगों में जो मेडिकेशंस पे है, रेगुलर मेडिकेशंस पे है। ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं, राइट? सो यहां बैठा हुआ हर इंसान जानता है कि वो अंदर से कितना बीमार है, कितनी दवाइयां खाकर वो इस कार्यक्रम में पहुंचा हुआ है, कितनी सर्जरीज करवा के, कितने ऑपरेशंस करवा के वो अब तक इस दुनिया में टिका हुआ है, वो यहां का बैठा हुआ हर इंसान जानता है, राइट? सो
इस बात को आज अच्छे से हम समझेंगे कि बीमारियों की शुरुआत कैसे होती है। इसके बाद मेरे ठीक होने के बाद मेरी बातें लोगों को अच्छी लगने लगी, लोगों को उससे फायदा होने लगा और धीरे धीरे मेरे सेमिनार शुरू हो गए। पहले दो लोग बैठकर मुझे सुनते थे, धीरे धीरे 200 हुए, 200 से 1000, 2000, 5000 और ऑडियंस बढ़ती चली गई। मैं जो खुद एक बिजनेसमैन हूँ, किसी प्रकार से कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उस इंसान को सुनने के लिए दो दो पाँच पाँच हज़ार लोग आते हैं और उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि सेमिनार से उनको बेनिफिट होता है। बाकी मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। सेमिनार से जिनको बेनिफिट हुआ है उनके कुछ किस्से छोटे में मैं आपके सामने रखता हूँ। देवांग भाई फ्रॉम फैट टू फिट, पहले 100 मीटर दौड़ने पर इनके फेफड़े फूल जाते थे और अब ये 42 किलोमीटर की मैराथन रन करते हैं, ये इतने फिट हो चुके हैं। आप लोगों की तरह ही इन्होंने एक घंटे का मेरा ऐसा सेमिनार सुना था या दो घंटे का सेमिनार सुना था और उस दिन उनकी जिंदगी बदल गई। मिस्टर विलास 14 गोलियां रोज की खाते थे, हार्ट के लिए, डायबिटीज के लिए और हाइपर एसिडिटी के लिए। एक सेमिनार के बाद पूरी तरह से फिट हो गए, पूरी कायाकल्प हो गई, पूरा चेहरा बदल गया और आज पूरी तरह से फिट है। एज उनकी 74 है और पूरी तरह से मेडिसिन फ्री हो चुके हैं। डॉक्टर लक्ष्मी जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, खुद वाडिया हॉस्पिटल मुंबई के HOD है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और इतने प्रभावित हुए कि आज जैसे आप बैठे हैं वैसे ही उन्होंने वाडिया हॉस्पिटल के बीच में डॉक्टर्स के लिए मेरा सेमिनार ऑर्गेनाइज किया और उस दिन मुझे बैठकर इस तरीके से डॉक्टर सुन रहे थे। जो उस दिन का होस्ट था वो होस्ट बोलता है कि आज एक मरीज डॉक्टर को स्वस्थ रहने का नॉलेज शेयर करने वाला है। भाविनी जी जिनका अस्थमा ठीक हो गया, PCOD ठीक हो गया और साथ ही साथ वेट लॉस हुआ बोनस में 25 किलो। ममता खंडेलवाल जो मुंबई के रहने वाली एक बिजी वर्किंग वुमन है, एक सेमिनार ने उनकी जिंदगी बदल दी और 7 महीनों के भीतर उनका 57 किलोस वेट लॉस हो गया। साथ ही साथ घुटनों का दर्द, BP की शुरुआत, सारी बीमारियों की शुरुआत हो चुकी थी और ये सारी बीमारियां ठीक हो गई एक सेमिनार में। ममता जी आज साक्षात इस कार्यक्रम में मुंबई से यहां पर आई हुई है आपसे मिलने के लिए, एक बार मंच पे आए। यात्रा अभी भी उनकी जारी है, उनको और भी 15-20 किलो कम करना है और उनकी यात्रा अभी भी जारी है। तो एक बार ममता जी को आप सेमिनार के बाद इन्होंने हमारे 3 रेसिडेंशियल प्रोग्राम किए हैं और उन प्रोग्राम के बाद अब वो पूरी तरह से टीम मेंबर बन चुके हैं और ओजस के जहाँ पे भी कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पर वो आते हैं और जो भी कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं वो कंट्रीब्यूशन देते हैं उस प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सो मच ममता जी फॉर कमिंग हियर। या माइक एक और मिलेगा। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सचिन। सचिन हमारे साथ पार्टिसिपेंट थे। ओ माय गॉड, मैं ये भूल गया कि सचिन भाई स्टेज पर। सचिन जी प्लीज कम ऑन स्टेज। ये दोनों एक ही बैच में पार्टिसिपेंट थे एंड नेक्स्ट डोर नेबर्स थे, इनका रूम हमारे बाजू के रूम में था। ओके, सो 12 डेज के प्रोग्राम में सचिन जी हमारे साथ थे जब मैं पार्टिसिपेंट थी। अब मैं टीम मेंबर हूं, आई एम अ वॉलंटियर, बट सचिन जी थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वंडरफुल प्रोग्राम। And everyone, a big applause for Sachin ji to organize this program, calling Atul sir over here to transform your lives. And everyone,
बिग बिग अपील टू यू ऑल दैट इट्स ट्रांसफॉर्म्ड माय लाइफ. आई हैव लॉस्ट 57 केजीज इन 7 मंथ्स थैंक्स टू ओजस, थैंक्स टू अतुल सर, गुरुजी, गुरु ब्रह्मा, गुरु महेश, गुरु साक्षात, गुरु इज अ मेंटोर, ही इज माय मेंटोर. And everybody should attend a 12-day program where there is a complete way of teaching health management. So thank you, Sachin ji, so much for doing this for your people of Pune. Sachin bhai ka aapka before main mangte mangte reh gaya lekin mila nahi. Sachin bhai ne 15 kilos lose kiya abhi tak. 15 kilos. Wow, a big applause for Sachin ji as well. Aap mein se kitne log hai jo Sachin bhai ko pehle mil chuke hai, dekh chuke hai? Almost. Kya baat hai? Kya baat hai? तो आप सभी लोग तो समझ पा रहे होंगे 15 किलोस माइनस हो गया है पिछले 6-7 महीने में और 15 किलोस का प्रॉमिस 3 महीने में. ओके, 3 मंथ्स में उनका 15 किलोस, 3 मंथ्स में 15 किलोस गया है और नेक्स्ट 3 मंथ्स में और 15 किलोस. सर मुझे भी. क्या बात है. आई एम ऑल्सो इन द लाइन. थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. नरेंद्र कोटक जो हॉस्पिटल में एडमिटेड थे और डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनके लंग्स पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, वेंटिलेटर पे थे और ट्यूब से इनको फीड किया जा रहा था. डॉक्टर ने 2 महीने वेंटिलेटर पे रहने के बाद बोल दिया कि इनका बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आप पूरी फैमिली को बुला लीजिए, हम वेंटिलेटर निकाल के इनको वापस भेज रहे हैं. बिना भरोसे के, बिना किसी भी प्रकार की ये गारंटी नहीं थी कि ये घर तक भी पहुंच पाएंगे और उस हालत में वो घर पहुंचे और किसी ने ओजस के बारे में गाइडेंस दिया. ट्यूब से इनको दूध पिलाया जाता था, प्रोटीन पाउडर पिलाए जाते थे, दाल का पानी पिलाया जाता था. तो जिसने भी बात की, ओजस के एक वॉलंटियर थे ममता जी की तरह, सचिन जी की तरह, उन्होंने ओजस में एक बहुत फेमस है ग्रीन जूस. ग्रीन जूस यानी हरे पत्तों का रस, जिसको हम संजीवनी बूटी बोलते हैं. कि किसी भी पहले के जमाने में आपको याद होगा, पहले के जमाने में जो वैद्य काम करते थे वो चाहे सांप काटे, चाहे बिच्छू काटे, कुछ भी हो, हरे पत्तों का लेप लगाते थे या उसका रस पिलाते थे. और वही हरे पत्तों का रस इनको पिलाना शुरू किया और विद इन 6 मंथ्स उनको नई जिंदगी मिल गई और वो पूरी तरह से ठीक हो गए. ऐसे कई किस्से कहानियां हैं. थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ताकि हम मुद्दे की बातों को. इनकी यात्रा बड़ी मजेदार है, फ्रॉम आंटी टू दीदी. यहां पर कितनी माताएं बहनें हैं जो आंटी से दीदी बनना चाहती है? क्या बात है, बहुत सारे लोग. एक प्रोग्राम में मैं था जालना में, शायद जालना में था, और वहां पे मेरी हमेशा आदत पड़ गई, मैं जब जैसे ही मेरे पिक्चर चलते हैं, मेरा प्रेजेंटेशन शुरू होता है, तो मेरे डायलॉग जो है बहुत सारे फिक्स होते हैं. तो मैं हमेशा महिलाओं के साथ जब भी सेमिनार करता हूं तो मेरी हैबिट होती है कि मैं उनसे बोलूं, क्या आप लोग भी आंटी से दीदी बनना चाहते हैं? तो उस सेमिनार में इंडस्ट्रियल लोग थे, व्यापारी लोग थे, और 300 व्यापारी थे, और उनके बीच में सेमिनार कर रहा था. तो अचानक फ्लो में मेरे मुंह से बात निकली और उन व्यापारियों को मैंने कहा, क्या आप लोग अपनी बीवी को आंटी से दीदी बनाना चाहते हैं? और लोग कंफ्यूज हो गए. राइट, सो एनीवेज, जोक अपार्ट, लेकिन वाकई में जब आप अंदर से सुंदर बनते हैं तो वो सुंदरता बाहर भी दिखाई देती है ना. सिर्फ मेकअप लगाने से या बाल काले करने से आप एज को कब तक छुपा सकते हो, लेकिन जब आप अंदर से सुंदर बनते हो. हमारे बीच यहाँ पे उषा बंसल है, कहाँ पर है, जिनकी वजह से पूजा जी, हाँ उषा बंसल जी, हाथ जरा ऊपर कीजिए, आप आएंगे स्टेज पर, आएंगे, आइए एक मिनट. विनोद भाई आप भी आइए. विनोद भाई और उषा जी वो व्यक्ति है जिनकी वजह से पूना का ये कारवा शुरू हुआ, जिनके परिवार से ये प्रोग्राम की शुरुआत हुई. उनकी बेटी प्रियंका जो खुद एक मेडिकल डॉक्टर है, वहाँ से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी. और
प्रोग्राम की शेयरिंग में लास्ट डे पे पिछली बार उनके बेटे उनके साथ थे, सुमित बंसल। और सुमित बंसल ने क्या किया, प्रोग्राम में जब शेयरिंग चल रही थी तो अपनी मम्मी की मम्मी को बुला के स्टेज पर उनकी चोटी खोल दी पीछे से, और उन्होंने बोला कि मेरी मम्मी के 100% बाल सफेद थे, पता नहीं क्या चमत्कार हुआ ओजस का कि अब 50% बाल जो है वो काले हो गए। सो ये मैजिक हुआ है उषा जी की लाइफ में, उतने और हेल्थ बेनिफिट्स हुए हैं, विनोद भाई की लाइफ में भी उतने ही ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, और इन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, ये आए और उसके द्वारा ये सिलसिला शुरू हुआ। ये पुणे का अग्रवाल समाज का जो प्रोग्राम सारे शुरू हुए हैं वो सिलसिला यहीं से शुरू हुआ है, राइट। विनोद भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं 2 साल पहले बरोबर सितंबर में गया था ओजस में, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा वजन उसके बाद 10 किलो कम हुआ है अब तक, उसके बाद मैं अभी कम नहीं करना चाहता हूँ। ये अभी मेंटेन है, ठीक है ना, फिर पतला को लोग बोलेंगे फिर बीमार है क्या, जो अतुल भाई बोल रहे थे अभी। और अगर अपना अग्रवाल समाज अभी बहुत ज़्यादा अतुल भाई से जुड़ चुका है और सबको बेनिफिट बहुत मिल रहा है, और हमने बीच में लास्ट ईयर भी फेडरेशन की तरफ, अग्रवाल समाज फेडरेशन की तरफ से प्रोग्राम किया था पुणे में अन्ना बासोटे में, तो वहाँ पर मेरी मामा मामी जो भगत जी बोलते जिनको मालूम होगा 600 मस्ताना, मेरी मामी जो है तो वो बहुत मोटी है, मोस्टली सब पहचानते भी हैं उनको, हाइट भी कम है, वो बिस्तर से भी उठने को तकलीफ होती थी, डोगा बोलते हैं अपने हरियाणा में, तो लेके चलती थी, उनका पेट का भी ऑपरेशन कराया था वजन कम करने का, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उनका सेमिनार सुनने वो लेट आए, ऊपर बालकनी में जगह मिली, उस दिन फुल था अपना हॉल, सुना उनके बाद उनका 35 किलो वजन कम हो गया, सिर्फ 1 साल भी नहीं हुआ पूरा। और बड़ी बात क्या है, अभी उस टाइम पे वो चल नहीं पाती थी, अभी जीना चढ़ के उनका 2nd फ्लोर पे घर है अभी यहाँ पे निगड़ी में, 2nd फ्लोर पे चढ़ के जाती है आराम से, खुद खाना सब कुछ करती है। अब वो पूछते हैं कौन से फ्लोर पे जाना। तो ऐसे ट्रांसफॉर्म होता है ओजस का, ये बेनिफिट तो हमने देखा खुद भी, मुझे प्रॉब्लम था प्रोस्टेट का, उसमें बहुत बेनिफिट हुआ मुझे भी। और सो थैंक यू सो मच विनोद भाई, मैं एक बार चाहूँगा बीच से मैं एक बार प्रियंका को भी बुला रहा हूँ, लेकिन 2 मिनट मुझे और दीजिए। थैंक यू सो मच उषा जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर पूजा मेडिकल डॉक्टर है और उसका थायराइड ठीक हो गया, एक सेमिनार ने उनकी ज़िंदगी बदल दी और बोनस में लगभग 30 किलो से ज़्यादा वजन कम हो गया। ऐसे और कई किस्से कहानियां हैं, थोड़े से स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं वरना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इस इंसान को जानते हैं आप लोग, देखा है कहीं पर आपने? सो ये मेरी फैमिली है, आपसे मुलाकात करवाऊंगा, माय वाइफ, उसका भी बिफोर आफ्टर है, 30 किलोज वेट उसने भी लूज किया है, लोगों की हार्ट प्रॉब्लम डॉक्टर ने बोला था बाईपास करने के लिए, लेकिन सिर्फ ओजस फॉलो करके उनके बाईपास टल गए और मेडिकेशन भी बंद हो गई, डायबिटीज ठीक हो गया, लीवर सिरोसिस ठीक हो गया और कैंसर ठीक हो गया। इतने किस्से कहानियां हैं, लगभग 90% बीमारियां लोगों की ठीक हो जाती है केवल और केवल लाइफस्टाइल चेंज करने से। आते हैं मुद्दे की बातों पे। एक सवाल के साथ मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और मैंने आपसे सवाल पूछा था कि इंसान, आज का इंसान इतना बीमार क्यों है? 30 साल पहले लोग हेल्दी हुआ करते थे और उनकी नेचुरल डेथ हुआ करती थी, तो आज ऐसा क्या हुआ समाज में, सोसाइटी में, कि पूरा समाज बीमार हो चुका है और आज हमारा देश डायबिटीज का कैपिटल बन चुका है, हम ऑफिशियली कैंसर का वर्ल्ड कैपिटल बन चुके हैं। 3 महीने पहले हम कैंसर का कैपिटल बन चुके हैं और 3 साल पहले हम इनफर्टिलिटी का कैपिटल बन चुके हैं। मतलब आज की तारीख में 10 लोगों की शादियां होती है तो उसमें से 5 लोग बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे, और धीरे धीरे वो दिन दूर नहीं है जहां पर हम कैंसर का कैपिटल बन जाएंगे। ऑलरेडी हार्ट अटैक के केसेस आपको सबको पता होगा कितने बढ़ चुके हैं, राइट। सो इसकी भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। सो ऐसा क्या हुआ कि आज हम इतने ज्यादा बीमार हो गए?
तो 30 साल में क्या हुआ उसे देख लीजिए कि हमारे शरीर का जो सेल्फ हीलिंग प्रोसीजर था वो डीएक्टिवेट हो चुका है। हमारी शरीर की अपनी एक क्षमता थी जो ठीक करने की, खुद को ठीक करने की ये प्रणाली जो है वो बंद हो चुकी है। क्यों बंद हो चुकी है? गलत खान पान की वजह से, गलत लाइफस्टाइल की वजह से। और ये प्रणाली कैसे काम करती है? तो जब आप परिश्रम करते हैं तो आपके शरीर में ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये पहला तरीका है, फर्स्ट। और आज हम सबको पता है कि हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो चुकी है, हमारी जिंदगी में से परिश्रम निकल चुका है, मेहनत का काम निकल चुका है। हमारे जो पूर्वज थे 30 साल पहले, वो दिन में लीटर के हिसाब से पसीना बहाते थे, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। और आज हम लोग एक बूंद भर भी पसीना नहीं बहा सकते, ऐसी आज हमारी लाइफस्टाइल हो चुकी है। तो पहला कारण है इंसान के बीमार का कि हमारी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं रही, और इसीलिए हमारे शरीर का ये जो सेल्फ हीलिंग प्रोसीजर है या सिस्टम है ये डीएक्टिवेट हो चुका है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? तो हमारा खान पान जो है वो बहुत एक्सेस हो चुका है। यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं मुझे हाथ ऊपर करके बताएंगे, जिनके बिना जिनके जो है पेट के मटके जो है बाहर निकले हुए, ऐसे कितने लोग हैं बिना गुड न्यूज के जिनके पेट बाहर निकले हुए? ऑलमोस्ट 90% लोग, 90% लोगों ने, 70% लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए, बाकी के 30% लोग बाजू में देख रहे थे हाथ ऊपर करूं कि नहीं करूं। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? शरीर में बहुत सिंपल है, हेल्थ इज वेरी सिंपल। हेल्थ को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, हेल्थ इज वेरी सिंपल। शरीर में दो काम होते हैं, एक डाइजेशन और दूसरा होता है डिटॉक्स। डाइजेशन और डिटॉक्स, डाइजेशन मतलब पाचन और डिटॉक्स मतलब सफाई, दो ही काम होते हैं। और ये दोनों काम करने वाला एक ही ऑर्गन है और वो है हमारा लीवर। ये दोनों में से एक काम कर सकता है, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। और फर्स्ट प्रायोरिटी, हमारी बॉडी की फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है, अगर आपने खाया है तो उसको पचाने का काम फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है। अगर शरीर उसको नहीं पचाएगा तो वो खाना पड़े पड़े पेट में सड़ जाएगा और फूड पॉइजन हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। तो शरीर का पहला काम होता है, अगर आपने खा लिया है गलती से भी बिना भूख के खा लिया, तो शरीर का पहला काम होता है उसको पचाना। फिर भले ही आपका पेट बाहर निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? और आज क्या हो रहा है समाज में, सोसाइटी में, कि हम अपनी 90% से ज्यादा प्राण शक्ति को सिर्फ पचाने में खर्च कर देते हैं और फिर शरीर के पास रिपेयर करने के लिए कोई एनर्जी बचती नहीं है। और ये प्रॉब्लम है आज की तारीख में कि आज हमारा समाज, आज हमारी सोसाइटी बीमारियों की सोसाइटी बन चुकी है, बीमार लोगों की सोसाइटी बन चुकी है, राइट? तो द रूट कॉज ऑफ द डिजीज, बीमारी का मुख्य कारण। और इंसान, मुझे बताइए ना, जो इंसान ठीक भी होता है हॉस्पिटल में जाकर, इंसान बहुत ज्यादा बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल में जाके सो जाता है, आईवी लगा देते हैं, ग्लूकोज लगा देते हैं और वो सो जाता है। वहां जाके भी उसका खाना बंद किया जाता है तब जाके वो ठीक होता है। जो इंसान अपना खाना बंद नहीं करता बीमार होने के बावजूद भी, उसकी ठीक होने की संभावनाएं बहुत कम होती है, राइट? सो आइए इसी बात को समझते हैं। पहली, सबसे पहली चीज हम ये समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी का बीमार होने का रूट कॉज क्या है। लेकिन रूट कॉज को समझने से पहले इसको समझते हैं कि हम, हमारा शरीर कैसे बना है। देखिए, जिसके पास मोबाइल है उसको मोबाइल की जानकारी होनी चाहिए तब उसका वो सही इस्तेमाल कर सकता है। जिसके पास कार है उसके पास कार की सही जानकारी होनी चाहिए तब वो कार का सही इस्तेमाल कर सकता है। और आपके पास अपना शरीर है जो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रिय है, और उसके बारे में अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो आप इसका भी सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आज का पूरा कार्यक्रम इस शरीर की जानकारी के बारे में है और कुछ भी नहीं है। और एक अंत में ऑफकोर्स बर्थडे बॉय का बर्थडे सेलिब्रेशन भी है, तो ऑफ कोर्स लास्ट में थोड़ी धमाल मस्ती भी होगी और उसके बाद शानदार खाना भी है, डिनर भी है, तो
तो उसे भी आप लोग एंजॉय करेंगे। कुछ यूनिक खाना है, कुछ हेल्दी फूड है जो आप आज बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, राइट। सो देखते हैं कि ये शरीर कैसे बना है और इस शरीर को समझ लेते हैं। तो शरीर जो है इन पांच चीजों के मिश्रण से बना हुआ है। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, जो इस ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। और ये शरीर सबसे पहला एलिमेंट सबसे ऊपर है और वो है पृथ्वी तत्व। जो भी हम खाना खाते हैं वो पृथ्वी से आता है और उसी को पृथ्वी तत्व कहते हैं। सेकेंड नंबर पे है फूड, जिसके बिना हम 3 महीने भी जिंदा नहीं रह सकते। सेकेंड नंबर पे क्या है बताइए मेरे पीछे? जल। सुना है आप लोगों ने जल जीवन है, सुना है? बिना पानी के जिंदा रह सकते हैं हम लोग, यस और नो? ओके। कुछ लोग जो है, मैं आप लोगों से देखिए बार बार इंटरेक्ट करते रहूंगा, हमारी बातें चलती रहेगी, इंटरेक्शन चलते रहेगा, तो मैं कुछ सवाल आपके पास बार बार रखते रहूंगा। और आप लोग मुंह से आवाज निकाल के प्लीज थोड़ी मेहनत कीजिए, मुंह से आवाज निकाल कर जवाब देते रहिए। कोई बात नहीं, अगर मुंह से आवाज ना भी निकले तो आप थोड़ा सा ना ऐसा मुंह हिला के ऐसे भी मुझे जवाब दे सकते हैं। क्या होता है ना, देखिए मेरे सेमिनार हेल्थ के लिए होते हैं और मेरे कार्यक्रम में अक्सर बीमार लोग ज्यादा आते हैं। तो क्या होता है कि थोड़ी देर तक अगर कोई इंसान हिलता नहीं है ना अपनी जगह से, तो मुझे टेंशन हो जाती है कि मैं जाके चेक करूं। सो प्लीज रिस्पॉन्ड करते रहिए, कनेक्टेड रहिए, राइट। तो सेकेंड नंबर पे है पानी, और पानी के बिना भी हम जी नहीं सकते। तीसरे नंबर पे वो फूड है जिसके बिना इस पृथ्वी पे 3 साल से ज्यादा कोई सर्वाइव नहीं करेगा, कोई पेड़ पौधा भी नहीं होगा और इस धरती पे 0 लाइफ होगी। ये धरती एक बर्फ का गोला बन जाएगी, जिसके बिना इस धरती पे कोई जीवन संभव नहीं है। तीसरे नंबर पे कौन सा फूड है हमारा? सॉरी, सनलाइट। और सनलाइट जब हमारी स्किन पे पड़ती है, तो मैं ये सवाल बच्चों से पूछ रहा हूं, सनलाइट हमारी जब स्किन पे पड़ती है तो हमारी बॉडी में कौन सा विटामिन प्रोड्यूस होता है? क्या देखिए, ये छोटा सा बच्चा यहां पे जवाब दे रहा है। आज का पूरा प्रोग्राम जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ पे टिका हुआ है। आप सभी बातें, मैं जो भी करूंगा इससे आप लोग वाकिफ है, आप सबको ये बातें पता है। लेकिन जिस तरीके से आज इन बातों को मैं आपके सामने रखने वाला हूं, आज तक शायद किसी ने भी इस प्रकार से आपके सामने इन बातों को नहीं रखा होगा। तो आज के प्रोग्राम में कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वही है जो आपको पता है, लेकिन तरीका अलग होगा। चौथा फूड जिसके बिना शायद हम 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, वो क्या है? वायु, ऑक्सीजन, सांसें। और पांचवा फूड जिसको आकाश तत्व कहते हैं, स्पेस कहते हैं। आकाश मतलब आपकी हर रो के बीच में एक स्पेस है चलने के लिए, और उसी स्पेस को आकाश तत्व कहते हैं। आसमान में जो जगह है उसको आकाश कहते हैं। और हमारे शरीर में अगर स्पेस ना हो तो मुझे आप बताइए, अगर स्पेस ना हो तो आप सांसें कैसे ले पाएंगे अंदर? अगर शरीर में स्पेस ना हो तो आप खाने को कैसे खा के पचा पाएंगे? और शरीर में अगर स्पेस ना हो तो ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा? और अगर आपकी छाती में स्पेस कम हो जाए तो उसे कहते हैं अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, बलगम, म्यूकस, लंग्स की बीमारियां। अगर आपके पेट में स्पेस कम हो जाए तो उसे कहते हैं कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। और आयुर्वेद कहता है कि सभी बीमारियों की मां अगर कोई है तो वो कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है। छाती में जगह कम हो जाए तो उसे कफ दोष कहते हैं, और पेट में जगह कम हो जाए तो उसे वात यानी वायु दोष कहते हैं। और तीसरा स्पेस आपके खून की नलियों में, अगर वो स्पेस कम हो जाए तो उसे ब्लॉकेज कहते हैं। और जहां ब्लॉकेज होगा वहां कोई ना कोई बीमारी होगी। अगर आपकी आंखों की नसों में ब्लॉकेज होगा तो आपको आंखों की बीमारी होगी। अगर आपके लीवर की नसों में ब्लॉकेज होगा तो लीवर की बीमारी। आपके हार्ट में ब्लॉकेज होगा तो हार्ट की बीमारी। सिंपल है, घुटनों में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो घुटनों की बीमारी। हेल्थ इज वेरी सिंपल। और ये आकाश तत्व मिलता है सिर्फ और सिर्फ उपवास करने से, फास्टिंग करने से। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सभी धर्मों में उपवास को एक खास स्थान दिया, महत्व दिया। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो,
हिंदुओं में नवरात्र आता है उपवास के लिए, मुस्लिम में रोजा आते हैं, क्रिश्चियंस में लेंट फेस्टिवल आता है उपवास के लिए, और जैन लोगों में पर्युषण आता है उपवास के लिए। हमारे सभी पूर्वजों ने हमको बताया कि उपवास बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम उसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाए। जिसके शरीर में पृथ्वी तत्व ज्यादा हो जाता है, उसके शरीर में आकाश तत्व कम हो जाता है, और सभी बीमारियों का मुख्य कारण शरीर में आकाश तत्व की कमी है। एक मजेदार बात बताता हूं, जंगल का राजा है शेर, और शेर को भी रोज खाना मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। सिर्फ एक इंसान है इस धरती पे जो घड़ी देखकर खाना खाता है, और सबसे ज्यादा बीमार वही है। समझ में आ रहा है? घड़ी देखकर खाना नहीं खाना है, अपना एपेटाइट, अपनी भूख को देखकर खाना खाना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं आजकल की बिजी दुनिया में, घड़ी देखकर खाना खा लेते हैं, या फिर खाना रेडी हो गया इसलिए खाना खा लेते हैं, या फिर खाना फ्री में परोसा जा रहा है इसलिए खाना खा लेते हैं, या होटल रूम बुक किया है तो ब्रेकफास्ट फ्री है इसलिए खाना खा लेते हैं, फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं घर से खाना खा के गए, और वहां पे एयर हॉस्टेस आके बोलती सर कॉम्प्लीमेंट्री लंच, तो सो शॉर्ट में अगर मैं आपसे कहूं तो दुनिया का सबसे खतरनाक अगर कोई खाना है तो वो फ्री का खाना है, ये सबसे डेंजरस होता है, राइट? फिर भूख हो ना हो हम उसको खा लेते हैं, राइट? सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शरीर में आकाश तत्व की कमी। और जैसे ही आपके पांच तत्वों का, इन पांच तत्वों का बैलेंस जिसका भी बिगड़ जाता है, उसके धीरे धीरे हॉस्पिटल के रिपोर्ट्स भी बिगड़ जाते हैं। जिनके शरीर में, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जिनके शरीर में इन पांच तत्वों का बैलेंस, इसका बैलेंस करेंगे तो ये हमारी हेल्थ है, और इसका बैलेंस अगर बिगड़ जाए तो उसी को बीमारी कहते हैं। और इस बैलेंस में प्रॉब्लम कहां पे आती है? सिर्फ दो एलिमेंट में, एक नीचे वाले आकाश तत्व में, और वो तीसरे नंबर पे विटामिन डी की कमी आती है, सनलाइट की कमी आती है। भारत देश का मेडिकल काउंसिल कहता है, मैं नहीं कहता हूं, मेडिकल काउंसिल कहता है कि भारत में 90% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई गई है। आप लोग रिपोर्ट करवाइए क्लब जाके अपने ब्लड रिपोर्ट्स, और आपको मोस्ट केसेस में विटामिन डी की कमी मिलेगी। मैं जान सकता हूं कि आज इस हॉल में बैठे हुए लोगों में ऐसे कितने लोग हैं जो डॉक्टर है, मेडिकल प्रोफेशन है, मेडिकल डॉक्टर्स। ओके, यहां पर एक है, वहां पर एक है, यहां पर है, तीन चार। ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू ऑल द डॉक्टर्स, बिकॉज मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि मेडिकल साइंस बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इमरजेंसी के लिए। मेडिकल साइंस बहुत अच्छी चीज है, वरदान है, अगर इंसान के लिए इमरजेंसी में कोई भगवान हो तो ये हमारे बीच बैठे हुए डॉक्टर्स हैं, और उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बट व्हेन इट कम्स टू लाइफस्टाइल डिजीज, जब ये आपकी गलत आदतों की वजह से जो बीमारियां हुई है, उसमें डॉक्टर भी आपकी कोई खास मदद नहीं कर सकते, उसमें आपको ही अपनी मदद करनी पड़ेगी अपनी आदतों को सुधार के। बात समझ में आ रही है आपको, राइट? सो ये पांच एलिमेंट्स का बैलेंस हमारी हेल्थ है। और आप इस मेरे स्टेटमेंट को नोट कीजिए, दुनिया की हर बीमारी, आप यहां पर इस ऑडियंस में कम से कम 1000 लोग बैठे होंगे, आप सिर्फ गूगल कीजिए, अपनी बीमारी का नाम लिखिए, दुनिया की किसी भी बीमारी का नाम लिखिए और उसके साथ लिखिए विटामिन डी, एंड यू विल गेट टू नो द साइंटिफिक कनेक्शन बिटवीन योर डिजीज एंड द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि दुनिया की हर बीमारी के साथ विटामिन डी की कमी का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, राइट? तो दो ही चीजें हैं, आज के पूरे सेमिनार का पूरा फोकस दो ही चीजों पे है, एक सनलाइट लेना और दूसरा अपने जीवन में उपवास को फिर से पुनर्जीवित करना। दो ही चीजों पे मैं आज मुख्य तौर पे इस कार्यक्रम में बात करने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही इस पांच तत्वों का बैलेंस बिगड़ता है, तुरंत आपका भी रिपोर्ट कार्ड यानी आपके मेडिकल रिपोर्ट का बैलेंस बिगड़ जाता है। और जिनका भी मेडिकल रिपोर्ट्स का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, उनके शरीर से प्री डिजीज, तीन तरह के इंडिकेशंस होते हैं,
प्री डिजीज इंडिकेशन, यानी बीमारी होने से पहले के लक्षण। जब इंसान 10 साल तक अपने शरीर की आवाज को समझ नहीं पाता है तो आपके जीवन में 10 साल के बाद बीमारियों का आगमन होता है, एंट्री होती है। पहले क्या होता है, 10 साल तक प्री डिजीज इंडिकेशन यानी बीमार होने से पहले की सिग्नलिंग, आपका शरीर आपको बीमार होने से पहले चेतावनी देता है। कितने साल तक देता है, कम से कम 5 साल तक और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक चेतावनी देता है कि सुधर जाओ, अब भी मौका है, सुधर जाओ। और जब हम नहीं समझ पाते अपने शरीर की आवाज को तो फाइनली हमारा शरीर बीमार हो जाता है। और बीमारी आने के बावजूद भी अगर कोई इंसान नहीं सुधरता, अपनी आदतों को चेंज नहीं करता, तो उसे ज्यादा मौका नहीं मिलता, 5 से 10 साल से ज्यादा। अगर किसी को डायबिटीज है, आप सब लोग जानते हैं कि अगर किसी को डायबिटीज है तो आने वाले फ्यूचर में उसकी किडनी खराब होगी या आंखें खराब होगी। तो आपका जो थर्ड लेवल है बीमारी के बाद का, वो है ऑर्गेन डैमेज, पुर्जे खराब हो जाएंगे। जिसको बीपी है, यहां पे कितने लोग हैं बैठे हुए लोगों में जिनको बीपी की प्रॉब्लम है? ऑलमोस्ट 15-20% लोग। तो अगर आपको बीपी है तो ये एक इंडिकेशन है कि अभी भी बदलाव करो, नहीं तो आने वाले फ्यूचर में आपको हार्ट प्रॉब्लम होगी या फिर ब्रेन स्ट्रोक होगा। आप सबको पता होगा ये है बीपी का फ्यूचर, राइट? सो तीन लेवल पे आपका शरीर आपको चेतावनी देता है, सिग्नलिंग करता है। पहले बीमार होने से पहले के सिग्नल, सेकेंड बीमारी, और थर्ड लेवल है ऑर्गेन डैमेज। तो आज मैं इन तीनों पे थोड़ी थोड़ी बातें आपसे शेयर करूंगा। और यहां बैठे हुए हर लोगों के लिए अब आपका समय शुरू होता है कि आप अपने आप को एनालाइज करना शुरू कीजिए। न सिर्फ आप अपने आप को एनालाइज करेंगे बल्कि आपके साथ जुड़े हुए हर इंसान को आप एनालाइज करना जिनसे भी आप प्यार करते हैं। तो ये सिग्नलिंग सिस्टम मैं आपको बताने जा रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनका भी 5 तत्वों का बैलेंस बिगड़ा हुआ है उन सबका शरीर आपको सिग्नलिंग देना शुरू करता है। और ये नियम राइट 1 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के इंसान तक सब पे लागू पड़ेंगे। आपके घर में कोई भी हो व्यक्ति, उन सब पे ये रूल लागू पड़ेंगे जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। और इनको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। 3 कैटेगरीज कौन सी है? वात, पित्त और कफ। आप सभी लोगों ने इसको सुना होगा, आयुर्वेद में इसको कहते हैं वात, पित्त और कफ, राइट? तो चलिए सिग्नलिंग सिस्टम को एक बार देख लेते हैं। पहला सिग्नलिंग सिस्टम है वात यानी वायु, वायु यानी वायु दोष, वायु यानी गैस। तो जिनका पहला दोष बिगड़ा हुआ है उसका प्रमुख कारण होता है कॉन्स्टिपेशन या फिर इनडाइजेशन। कॉन्स्टिपेशन किसको कहते हैं, इसे समझने के लिए मैं आपको एक प्रकृति का नियम बता देता हूं या फिर एक यूनिवर्सल फैक्ट बता देता हूं। और अगर आपको ये यूनिवर्सल फैक्ट पता हो तो आप मुझे कन्फेस कर सकते हैं, मुझे मेरे साथ आप इस चीज को हाँ या ना में मुझे आप रिप्लाई कर सकते हैं। एक यूनिवर्सल फैक्ट आपके सामने, संसार के सभी जीवों को, संसार के सभी जीवों को पेट साफ होने में यानी पॉटी करने में 2 सेकंड लगते हैं और यूरिन पास करने में 40-50 सेकंड लगते हैं, 40-50 सेकंड लगते हैं। क्या आप लोगों ने किसी पशु प्राणियों को ऑब्जर्व किया है, इस बात को आपने मार्क किया है, यस और नो? गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, किसी को तो आपने देखा होगा, यस? या किसी को नहीं देखा हो तो छोटा बालक जो मां के दूध पे है उसको आप नोटिस कीजिए, उसको भी पेट साफ होने में सिर्फ 2-3 सेकंड लगते हैं और उसको यूरिन पास करने में 40-50 सेकंड लगते हैं। तो अगर आपको वॉशरूम में यूरिन पास करने से ज्यादा टाइम पॉटी करने में लगता है तो इसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, इसे कब्ज कहते हैं। और जिस इंसान को कब्ज है, आपके घर में एक भी बंदा ऐसा है जिसको वॉशरूम में ज्यादा टाइम लगता है या फिर सुबह उठते ही जिसका पेट साफ नहीं होता, पूरी रात शरीर में सफाई चलती है और सुबह पेट साफ होना चाहिए, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोलता है सुबह पेट साफ नहीं होता मैं दिन में जाता हूं, तो रॉन्ग, इसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। उस बच्चे को या उस इंसान को बस केवल 5 से 10 साल दे दीजिए और उसकी जिंदगी में वात से संबंधित बीमारियों के धमाके शुरू होंगे। और इसकी मैं आपको कागज पे गारंटी लिख के दे सकता हूं, राइट?
तो पेट साफ होना बहुत जरूरी है। जिसका वात बिगड़ता है उसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, या फिर खाना खाने के बाद पेट फूल जाना या ब्लोटिंग हो जाना। यहां पे ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने B12 कभी ना कभी B12 के इंजेक्शन या दवाइयां ली है, ऐसे कितने लोग हैं? ऑलमोस्ट 40% से ज्यादा जिन्होंने भी B12 लिया है उनकी गट हेल्थ बिगड़ी हुई है, डैमेज हुई है, और इसीलिए आपका B12 बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, राइट? सो उनका भी वात बिगड़ा हुआ है। और वात की जितनी बीमारियां हैं उसमें एक कॉमन फैक्टर होता है पेन, दर्द। दर्द होने वाली जितनी बीमारियां हैं वो सारे के सारे वात के रोग होते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। अगर वात के रोग होंगे तो आगे फ्यूचर में आपको इंसोमिया हो सकता है, नींद नहीं आने की बीमारी हो सकती है, प्री मैच्योर एजिंग हो सकती है, ज्यादा देर टॉयलेट में बैठने से क्या होगा, पाइल्स और फिशर की बीमारी हो सकती है। क्या आपको पता है कि आने वाले 1-2 साल में हमारा देश, भारत देश, पाइल्स का कैपिटल बनने वाला है, वर्ल्ड कैपिटल। इसका मतलब क्या पता है कि भारत के देश के लोगों ने गलत खाना खा खा के अपनी बम फाड़ दी। ज्यादा देर टॉयलेट में बैठने से क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अपने पूरे शरीर का प्रेशर आपके रेक्टम पे होता है और उसमें से सारी नसें बाहर निकल जाती है, खून निकलता है, उसी को हेमोराइड्स कहते हैं, पाइल्स कहते हैं, फिशर कहते हैं। आपको पता नहीं, आप टॉयलेट में बैठ के मोबाइल स्क्रोल कर रहे हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपका पूरा प्रेशर आपकी आंतों पे है और उसी में आंतें डैमेज हो जाती है और उसी को पाइल्स और फिशर कहते हैं, राइट? मेरे पास 15-20 साल के यंगस्टर्स आते हैं, युवा आते हैं और उनको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। 2-2 बार सर्जरी करवा चुके हैं फिर भी रिलैप्स हो रहा है, वापस दोबारा रीऑकर हो रहा है पाइल्स की प्रॉब्लम, राइट? आगे बढ़ते हैं। डार्क सर्कल्स, यहां बैठे हुए लोगों में जिनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे बने हुए हैं उनका वात कम से कम 20 साल से बिगड़ा हुआ है। 20 साल से जिनको पेट की गड़बड़ियों की हिस्ट्री होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, ऐसे ही लोगों में डार्क सर्कल्स पाए जाते हैं, वरना डार्क सर्कल्स होने का और कोई कारण नहीं है, प्रमुख कारण नहीं है। शरीर से ज्यादा दुर्गंध आना पेशाब में या पसीने में, यह भी वात बिगड़ने का लक्षण है। ईचिंग इन्फेक्शन, साल के 365 दिन अगर आपको खाज खुजली की प्रॉब्लम रहती है तो यह भी वात के बिगड़ने का लक्षण है। हाई ब्लड प्रेशर, जितने लोगों ने हाथ खड़े किए थे बीपी के लिए, वो सभी लोग जान लीजिए कि हाई बीपी भी जो है ये वात के बिगड़ने का लक्षण है। और जिनके वात बिगड़ते हैं उनके इमोशंस भी बिगड़ जाते हैं, तो उनको धीरे धीरे ये नीचे दिए हुए सारे इमोशंस, फियर, वरी, एंग्जाइटी और स्ट्रेस, ये इमोशंस भी उनकी जिंदगी में आ जाते हैं। जिनका वात बिगड़ा हुआ है उनको आज से या फिर कल से क्या बदलाव करना है, क्या चेंजेस करने हैं, उसे तुरंत आप लोग अपने माइंड में नोट कर लीजिए, तुरंत देख लीजिए एक पिक्चर के जरिए करना क्या है आपको। जिनको वात की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, उनको पानी मांगने वाली सब्जियों से बचना है, राजमा, छोले, मटर, ऐसी सब्जियों से थोड़ा बच के रहना है, रोटी कम खानी है और सब्जी ज्यादा सेवन करनी है जिनको वात की प्रॉब्लम है। और जिनको वात की प्रॉब्लम है उनको अपने लीवर को एम्पावर करना है, और लीवर को एम्पावर करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सनलाइट। और सनलाइट कैसे लेनी है, अपनी बैक से। संसार के, आप लोग बताइए, संसार के सारे पशु प्राणी सनलाइट कहां से लेते हैं, अपनी बैक से। और हमारे भारतीय, सोचिए, विचार कीजिए कि हमारे पूर्वज कितने स्मार्ट थे। हमारी भारतीय परंपरा में जो हमारे पूर्वजों ने कपड़े बनाए थे उसमें बैक को खुला छोड़ा गया था, महिलाओं की बैक को एक्सपोज रखा गया था। क्यों रखा गया था, ताकि घर की महिलाएं जब घर के आंगन में बैठ के काम करें तो उनको सनलाइट के बेनिफिट मिलते रहे, राइट? सो बैक के जरिए सनलाइट लेनी है जिनका वात बिगड़ा हुआ है। और साथ ही साथ जिनका वात बिगड़ा हुआ है उनको ये भी ध्यान में देना है कि उनकी आते जो है उसमें बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की वजह से टॉक्सेमिया हो चुका है, और वहां पे बहुत ज्यादा अतिरिक्त पुराना मल चिपक चुका है जो वहां पड़े पड़े सड़ रहा है, और वही आपकी तमाम बीमारियों का मूल कारण बन रहा है। एक रियल पिक्चर दिखाता हूं कोलोनोस्कोपी का। कैमरा, आपकी पेट में कैमरा भेजकर पिक्चर लिया गया है, और ये पिक्चर जो मेरी तरफ है उस पिक्चर को देखिए, ये एक स्वस्थ इंसान की आंतों का पिक्चर है, वो अंदर से कैसी नजर आती है उसे देख लीजिए।
और जो मेरी उल्टी तरफ जो पिक्चर है वो उस व्यक्ति का पिक्चर है जिसको 15-20 साल से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है और उनकी आते जो है उसकी दीवारों में पूरी तरह से एक टॉक्सिन की लेयर बन जाती है, कोटिंग बन जाती है और धीरे धीरे उसकी आंतों का पेरिस्टल्टिंग जो फंक्शन होता है, आंतें का काम करने का जो तरीका होता है, फंक्शन होता है, वो काम करना बंद कर जाता है, राइट? सो वो कुछ भी खाएंगे तो उनको यही फील होगा कि मेरे पेट साफ नहीं हो रहा है, इसे कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। आगे बढ़ते हैं सेकेंड दोष की तरफ और वो है पित्त दोष। जिनका भी पित्त दोष बिगड़ा हुआ है उनको क्या इंडिकेशन होंगे उसे समझ लीजिए। ऐसे कितने लोग हैं यहां पर हॉल में, मैं जान सकता हूं, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है हमेशा? ओके, ऑलमोस्ट 20%। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आपको यह समझना है कि आने वाले फ्यूचर में ये सारी समस्या आपको हो सकती है, आपका लीवर खराब हो सकता है, आपको स्किन डिजीज हो सकती है, या फिर ये सारी समस्याएं जो है वो एसिडिटी की या पित्त दोष की कैटेगरी में आती है और उनके इमोशंस भी बिगड़ जाते हैं। तो गुस्सा ज़्यादा आना या इम्पेशेंट हो जाना या एजिटेशन होना, ये सारे इमोशंस भी जो है पित्त दोष वालों के साथ जुड़ जाते हैं। जिनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनको बहुत सिंपल नॉलेज छोटे में देता हूँ, आपको करना क्या है। आपको अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही जानकारी काफ़ी है इसके लिए, वो है आज से इस बात को जान लीजिए कि आपके जीवन में दो प्रकार के फूड है, एक एसिडिक फूड और दूसरी तरफ है एल्कलाइन फूड। जो मेरी तरफ वाला फूड है वो है एसिडिक फूड और जो उल्टी तरफ का फूड है वो है एल्कलाइन फूड। यहां बैठे हुए लोगों में, ऑडियंस में, मैं आपको एक जानकारी शेयर करता हूं। आपको पता है कि हमारी बॉडी का एक पीएच बैलेंस होता है और इसका पीएच का बैलेंस जो होता है उसका एक न्यूट्रल नंबर होता है। किसी को पता है कि वो न्यूट्रल नंबर कितना होता है? सॉरी, 7। यस, थैंक यू सो मच। 7 इज द न्यूट्रल नंबर और 7 के ऊपर जाएंगे 14 तक तो अल्कलाइन और 7 के नीचे जाएंगे 0 तक तो एसिडिक। ठीक है, तो हमारा बॉडी जो है वो हमेशा अल्कलाइन होना चाहिए और 7.5 होना चाहिए। लेकिन आप जब ज्यादा एसिडिक फूड खाते हो तो आपकी बॉडी एसिडिक हो जाती है और फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, छाती जलना, पेशाब में जलन होना, अलग अलग प्रकार के अल्सर्स हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे बैठे हुए किसी को भी अगर ये पता हो कि हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उस कोल्ड ड्रिंक का पीएच कितना होता है, आपको पता है? इट्स अराउंड 2। सारे कोल्ड ड्रिंक को चेक किया गया है और उनका पीएच बैलेंस होता है जो 2 के आसपास। मतलब दुनिया में जो सबसे ज्यादा एसिडिक ह्यूमन फूड है उसमें दूसरे नंबर पे आता है कोल्ड ड्रिंक। इसीलिए बाबा रामदेव इसको टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं, द बेस्ट टॉयलेट क्लीनर। हरियाणा के लोग इसको पेस्टिसाइड की जगह पे यूज करते हैं और ये बहुत अच्छा काम करता है उनके खेतों में कीड़े मारने के लिए, राइट? हम सोचते नहीं है, समझते नहीं है और सिर्फ सेलिब्रिटीज जो है वो इसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं और हम कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर देते हैं, राइट? सो बिना सोचे समझे कुछ भी खाना पीना गलत होगा। और कोल्ड ड्रिंक के बाद जो है हमारे घर के फूड के अंदर सबसे ज्यादा एसिडिक फूड होता है शुगर। आपके किचन में नंबर 1 एसिडिक फूड शुगर है और 2nd नंबर पे है रिफाइंड ऑयल और 3rd नंबर पे आपके घर के अंदर एसिडिक फूड में है गरम मसाले, उसका उपयोग भी कम कीजिए, राइट? जो इंसान अपने दिन की शुरुआत चाय से करता है शक्कर डाल के, आप सिर्फ एक ग्लास पानी में ना एक चम्मच शक्कर डाल के पी लीजिए सुबह सुबह, और जिसको एसिडिटी नहीं है ना उसकी भी छाती जलनी शुरू हो जाएगी, वो इतना एसिडिक होता है, राइट? सो आप खुद समझदार है तो सुबह कम से कम दिन की शुरुआत जो है ऐसी चीजों से ना करें जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। दिन की शुरुआत, दिन की बोनी कम से कम अच्छी होनी चाहिए, बाद में दिन में आप जो भी करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन कम से कम दिन की शुरुआत ठीक से कीजिए। और कैसे करना चाहिए ये भी बात मैं आपको शेयर करूंगा और अंत में मैं थोड़ा समय जो है आपके सवालों को एड्रेस करने के लिए भी रखूंगा। तो आपके जो भी सवाल है उसको आप नोट करके रखिए और अंत में जो हमें समय मिलेगा उसमें आपके कुछ सवालों को भी हम बात करेंगे।
और अल्कलाइन फूड क्या होता है, तो जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं ये अल्कलाइन होते हैं, और इसकी मात्रा जिनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनको करना क्या है, तो उनको थोड़ा सा एसिडिक फूड कम करना है और थोड़ा सा अल्कलाइन फूड को बढ़ा देना है, बस इसके रेशियो को चेंज करना है। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सुख अगर कोई है तो वो है खाना, और मैं आपकी जिंदगी का ये सुख खराब करने के लिए यहां पर नहीं आया हूं, मैं आपकी जिंदगी का ये खाने का सुख जो है वो बढ़ाने के लिए आया हूं, ताकि आप ज्यादा समय तक इस खाने को एंजॉय कर सके। राइट? अच्छी बात है या बुरी बात है? इंसान के तीन सबसे बड़े सुख होते हैं, पहला अच्छा खाना, पहला सुख है अच्छा खाना, दूसरा सुख है अच्छा अच्छा सोना। हाँ, मैं किसी ने पीना तो नहीं बोल दिया। दूसरा सुख है अच्छा सोना, और तीसरा सुख है अच्छा पेट साफ होना, और जिसका नहीं होता वही इसी दुख को समझ सकता है। ये इंसान की जिंदगी के तीन सबसे बड़े सुख है, अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छी नींद आ जाए, मतलब सोना मतलब क्या होता है, अच्छी नींद आए, और तीसरा है अच्छे से पेट साफ होना। अगर ये तीनों चीजें आपकी ठीक है तो आप ऑलमोस्ट जो है हेल्थ आपकी बेटर है, अच्छी है। राइट? आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। एसिडिटी वालों को ये फूड को कम करना है और इस फूड को थोड़ा सा बढ़ा देना है अपने खाने में। और तीसरा और आखिरी दोष है, आपकी बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम पे हम बात कर रहे हैं, और तीसरा और आखिरी सिग्नलिंग सिस्टम है कफ यानी फ्लेम, फ्लेम यानी म्यूकस। इसके लक्षण क्या होंगे, सिम्टम्स क्या होंगे, इसे सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर सुबह उठते ही सबसे पहले आपके गले में बलगम आती है, ब्रश करने जाते हैं वॉश बेसिन पे और गले से खरखर करके खींच के बलगम निकालते हैं, तो ये आपके कफ दोष बिगड़ने का लक्षण है। या फिर सुबह उठने पर आपकी आंखों में पीले रंग का म्यूकस आता है, बलगम आता है, येलो कलर का म्यूकस आपकी आंखों में सुबह उठने पर, तो ये आपके कफ के बिगड़ने का लक्षण है। तीसरा, बार बार जुकाम होना, एवरी मंथ या एवरी सेकेंड मंथ में बार बार जुकाम होना, तो ये भी कफ के बिगड़ने का लक्षण है। अगर बार बार जुकाम होता है तो ये आपका कफ दोष बिगड़ा हुआ है। साल में एक बार ऋतु बदलने पर अगर आपको जुकाम होता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। राइट? और इसके अलावा क्या लक्षण है कफ बिगड़ने के, अगर आपको अस्थमा है या लंग डिजीज है तो ये भी कफ के बिगड़ने का लक्षण है। अगर आपको स्लीप एपनिया है, यहां पर कोई है स्लीप एपनिया? ओके, एक दो। आपको पता है किसी को कि अब तक तीन चार बीमारियां थी जो लोगों की जान लेती थी, डायबिटीज था, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, हार्ट फेलियर, ये तीन चार बीमारियां थी, ब्रेन स्ट्रोक था और जो लोगों की जान लेता था। अब मार्केट में एक नई बीमारी आई है जो लोगों की जान ले लेती है और वो है स्लीप एपनिया। ये मार्केट में एक नई चीज आई है और लोगों के जीवन में ये बीमारियां हो रही है। यहां पे कई लोग बैठे होंगे जिनको ये बीमारी हो चुकी होगी लेकिन अभी शुरुआत में आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप उसका टेस्ट करवाएंगे तो पता चल जाएगा जल्दी, और नहीं करवाएंगे तो देर से पता चलेगा। इसमें होता क्या है, तो जब रात को इंसान सोता है तब उसकी कई बार हार्ट बीट रुक जाती है, सांसें रुक जाती है, कंजेशन होता है और उसकी वजह से बीपी शूट होना और मल्टीपल डिजीज होती है, डिसऑर्डर्स होते हैं। राइट? तो ये एक नई चीज है जो लोगों के बीच फैल रही है बहुत तेजी से। इसके अलावा एलर्जीज, इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिजीजेस, अगर आपकी ही इम्यूनिटी आपकी दुश्मन बन चुकी है तो ये भी कफ का रोग है। इसके अलावा कोई इंसान अगर खराटे लेता है, सोते वक्त खराटे लेने वाले लोग, तो ये भी कफ दोष बिगड़ने का लक्षण है। डायबिटीज अगर किसी को है या ओबेसिटी है, मोटापा है, तो ये भी कफ बिगड़ने का लक्षण है। हाई कोलेस्ट्रॉल अगर आपको है तो ये भी कफ का लक्षण है। रेस्पिरेटरी जितने प्रॉब्लम्स है, जितनी बीमारियां छाती से संबंधित बीमारियां है, ये सारे कफ की बीमारियां है। थायराइड अगर किसी को है तो ये कफ की बीमारी है। कम सुनाई देता है यानी ई एन टी प्रॉब्लम्स अगर किसी को है
तो ये कफ के रोग है। यहां पे ऐसे कितने लोग हैं जिनको सुनाई कम देता है? ओके, यहां पे दो, यहां पर दो, यहां पीछे की तरफ एक। ओके, तो ये आप सभी लोग जिसने हाथ खड़े किए हैं उनका कफ का बहुत बड़ा हिस्ट्री है, कम से कम 20 साल से उनको कफ की समस्या रहती है। वैसे ही लोगों के काम जो है, कान जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। ये सारी की सारी बीमारियां कफ के रोगों की लिस्ट में आती है। और इस धरती पे इंसान के भोजन में नंबर वन फूड जो इंसान की कफ प्रकृति को बिगाड़ता है उसे देखकर आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा शॉक लगेगा, तो उसे एक बार देख लीजिए कि ऐसा कौन सा फूड है जो इंसान के शरीर में सबसे ज्यादा म्यूकस फॉर्मेशन करता है, उसे देख लीजिए। द नंबर वन म्यूकस फॉर्मिंग फूड ऑन दिस प्लैनेट इज डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बने हुए उत्पादन, ये कफ प्रकृति को बिगाड़ते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें हमको भी पता है ना, आपको भी पता है कि दही छाछ पिएंगे तो कफ बनता है, बलगम बनता है, ये सारी बातें, पनीर से या ऐसी चीजों से कफ बन सकता है, ये आप सबको पता है। लेकिन पूरी तरह से ये बातें क्लियर नहीं है और वही बातें मैं आपको शेयर कर रहा हूं। द नंबर वन म्यूकस फॉर्मिंग फूड जो है वो मेरी तरफ है और वो है डेयरी प्रोडक्ट। और आपके शरीर से कफ की सफाई करने की ताकत भगवान ने सिर्फ एक फूड को दी हुई है और वो है विटामिन सी रिच फूड, जिसमें भी विटामिन सी ज्यादा है वो आपके शरीर में से कफ को निकालने की ताकत रखता है। बाकी दुनिया में किसी और भोजन के पास शरीर में से कफ को निकालने की ताकत नहीं है। और कफ दूध पी के बनता है और अगर वो आपके शरीर में ज्यादा समय तक पड़ा रहेगा तो वो आपको बहुत ज्यादा बीमार बना देगा, बहुत ज्यादा बीमार बना देगा। आपने लोगों को बोलते हुए सुना है क्या, मैंने कल केले खाए थे और जुकाम हो गया, कल मैंने नींबू पानी पिया था जुकाम हो गया, कल नारियल पानी पिया था जुकाम हो गया, सुना है, कल अमरूद खाए और जुकाम हो गया। हाँ, तो जितने भी विटामिन सी रिच फूड है वो कभी भी आपके शरीर में से कफ बनाते नहीं है, वो बस आपके शरीर के कफ की सफाई करते हैं। शॉर्टकट में अगर मैं आपसे कहूं तो इस तरफ आपके शरीर में जो कफ बनाने वाला दुश्मन है, आपका एक छुपा हुआ दुश्मन ये है, और जो आपके शरीर का दोस्त है वो इस तरफ है और वो है विटामिन सी रिच फूड्स। तो एक दोस्त इस तरफ और इस तरफ है एक दुश्मन जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, और इसीलिए जुकाम होने पर हल्दी वाला दूध बना के पीते हैं। क्या करते हैं? हल्दी वाला दूध बना के पीते हैं। अरे उसी दूध से बलगम बन रहा है, उसी दूध से कफ बनता है। कितने लोगों को यहां पे ऑलरेडी ये पता है कि मैं दूध पीता हूं और मुझे कफ की समस्या होती है? ऐसे कितने लोग हैं, थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे? चार पांच यहां पर है, एक दो लोगों ने यहां पे हाथ खड़े किए, दो चार लोगों ने, ओके, हार्डली 10-12 लोग हैं जिन्होंने हाथ खड़े किए। तो उनको पता है कि दूध पीते हैं और उनको कफ निर्माण होता है, लेकिन दुनिया का नंबर वन फूड है दूध जो म्यूकस फॉर्म करता है। आगे बढ़ते हैं, अंत में देर होने से पहले सबसे पहले अपनी मदद कीजिए, उसके बाद आप जिनसे भी प्यार करते हैं अपने परिवार में उन सबकी मदद कीजिए। अगर यहां बैठे हुए ऑडियंस को मैं खुद यहां से देख पा रहा हूं बहुत करीब से, और मैं आपकी हेल्थ भी थोड़ी स्कैन कर चुका हूं, तो मुझे पता है कि इस ऑडियंस में बैठे हुए लोगों में लगभग 50% ऐसे लोग हैं जिनके तीनों के तीनों दोष बिगड़े हुए, जिसको कहते हैं सर्वगुण संपन्न। तालियां बजाएंगे तो ठीक से बजाएंगे। मंदिर में कई बार आप देखते होंगे कि कीर्तन होते हैं, पूजा होती है और लोग तालियां बजाने की प्रैक्टिस करते हैं, तो मैंने देखा है लोग घंटों घंटों तक तालियां बजाते रहते हैं, भजन चलते रहते हैं और घंटों घंटों तक तालियां बजाते रहते हैं, है ना। सो तालियां बजाने से हेल्थ बेनिफिट होते हैं। और एक व्यक्ति है जिनका आप यूट्यूब पर बहुत सारे लोग मिलेंगे, एक व्यक्ति मैंने सुना है जिसका नाम है अरुण ऋषि, वो 2 घंटे तक बोलते हैं, ताली बजाने के कितने फायदे उसको 2 घंटे तक बताते रहते हैं, राइट। सो मैं चाहता हूं कि एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं और थोड़ी लंबी बजाएं, बजाते रहें।
थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। देर होने से पहले सबसे पहले अपनी मदद करेंगे और जिनसे भी आप प्यार करते हैं उनकी मदद करेंगे। आज का सेमिनार सुनने के बाद अगर आपके परिवार में कोई दुर्घटना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। मेरे दोस्त है, उसकी बहन को डायबिटीज था, वो मेरा सेमिनार सुन के गया, खुद फॉलो करता है और खुद की बीमारियां ठीक कर दी उसने। बहन को डायबिटीज था, दवाइयों से काम चल रहा था, तो बहन को कुछ नहीं बताया मेरे बारे में, ओजस के बारे में। लेकिन जब बहन की किडनी फेल होने लगी तब मेरे पास बहन को लेकर आया, तब मैंने हाथ जोड़ के कहा कि ज्ञानेश्वर भाई अब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूं, आपकी मदद सिर्फ डॉक्टर कर सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांट करके। तो ये वक्त निकल चुका है जब मैं आपकी मदद कर सकता था, तो मैं आपसे यही दरखास्त कर रहा हूं। मेरे यही आज का सेमिनार रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब चैनल पे लाइव चल रहा है, तो आप इसी सेमिनार को अपने परिवार को दिखा सकते हैं। लेकिन आज के बाद आपके परिवार में हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर कोई भी दुर्घटना होगी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि आज आप सब लोग इस बात को जान चुके हैं कि इस दुनिया की हर बीमारी की शुरुआत वात पित्त और कफ के बिगड़ने से शुरू होती है। 5 तत्वों का बैलेंस करना है और इसको बैलेंस करने से आपके तीनों तत्व बैलेंस हो जाते हैं, वात पित्त कफ। और इतनी क्लियर जानकारी मिलने के बावजूद भी अगर आपके परिवार में कोई बीमार है तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है उसको हेल्दी बनाने की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सेमिनार सुनने के बावजूद भी जब तक प्रैक्टिकल अनुभव नहीं मिलता तब तक वो कुछ कर नहीं पाते। मतलब आज सब सुन लिया लेकिन बोले अभी हम घर पे नहीं करेंगे, एक बार आपके रेसिडेंशियल प्रोग्राम में आएंगे और फिर शुरू करेंगे। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं मालूम है आपको? आपने सुना होगा क्या वो कहावत होती है, लातों के भूत क्या होते हैं, वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये कहावत भी कहीं ना कहीं सच होती है। और जितनी भीड़ यहाँ पे इस प्रोग्राम में होती है उतनी भीड़ जो है उस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में होती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि हम पहले रेसिडेंशियल प्रोग्राम एक्सपीरियंस करें आपके साथ और उसके बाद अपने घर की हैबिट को चेंज करेंगे, राइट? तो उसका इंतजार मत कीजिए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, रेसिडेंशियल प्रोग्राम के मेरे इंतजार मत कीजिए। देर होने से पहले कल सुबह से आप अपने घर में अपने खाने में बदलाव कीजिए। क्या बदलाव करना है वो मैं आपको शेयर करता हूं, लेकिन दुनिया की हर बीमारी का इलाज जो है वो है फास्टिंग। फास्टिंग इज द अल्टीमेट मेडिसिन। दुनिया का सभी जानवर, इंसान को छोड़ के दुनिया के सभी जानवरों को यह पता है कि उपवास बीमारी का इलाज है, उपवास करना। कितने लोगों को यहां पर पता है कि ये जानवर बीमार होने पर उपवास करते हैं? कितने लोगों को पता है? ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा। थैंक यू सो मच। 50% से ज्यादा लोगों को ये जानकारी है और ये सब लोग जानते हैं कि खा खा के बीमार पड़ गए तो अब एक दिन दो दिन खाना रोक के ठीक हो जाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? खा खा के बीमार हो गए। शरीर कितना सिंपल है सोचिए, आप जब बॉडी में खाना फीड करना बंद कर देते हैं तो शरीर में अपने आप आकाश तत्व बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आप शरीर के अंदर कुछ डालना बंद कर देते हैं तो आपकी शरीर की सिस्टम प्रणाली रिवर्स में काम करना शुरू करती है और इतने सालों में जो आपने एक्स्ट्रा खाना खा खा के अपने शरीर में कचरा जमा कर दिया है वो सारा कचरा शरीर बाहर फेंकना शुरू कर देती है उपवास में, फास्टिंग में। कितना ब्यूटीफुल है ये शरीर, कितना सुंदर है, कितना सिंपल है। खा खा के बीमार हुए, थोड़े दिन खाना रोक के ठीक हो जाइए। समझ में आ रही है बातें, राइट? सो फास्टिंग इज द अल्टीमेट मेडिसिन। और इसी पे पिछले कुछ साल पहले यानी 2016 में एक इंसान को पुरस्कार मिला, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज मिला जिसे नोबल प्राइज कहते हैं। किस बात के लिए नोबल प्राइज मिला? केवल इतना साबित करने के लिए ऑटोफजी। ऑटोफजी यानी जब आप खाना बंद कर देते हैं 3 दिन से ज्यादा के लिए तो आपके शरीर जो है वो रिवर्स में काम करना शुरू कर देता है और जितना आपने एक्सेस पहले खाना खा खा के शरीर में टॉक्सिन का एक्यूमुलेशन किया है वो शरीर उसको वापस बाहर फेंकना शुरू कर देता है और 3 दिन के बाद
काले रंग की पॉटी निकलना शुरू होती है जो 5-6 दिनों तक चलती है, ब्लैक कलर के स्टूल पास होते हैं। यहाँ पे बैठे हुए लोगों में किसी को ये अनुभव हो तो हाथ खड़ा कीजिए जिनको ब्लैक स्टूल निकलने का अनुभव हो। एक व्यक्ति वहाँ पर है, दो व्यक्ति, तीन, चार व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ पर भी 3-4 व्यक्ति है, यहाँ पर इस रॉ में 1, 2, 3, 4, 5, इस तरफ ऊपर की तरफ कोई व्यक्ति जिनको एक्सपीरियंस है, ओके, एक वहाँ पर है और एक व्यक्ति यहाँ पर है, क्या बात है। तो इस हॉल में ऑलरेडी 25-30 लोग ऐसे हैं जिनको ये एक्सपीरियंस है। जब आप 3 दिन के बाद खाना रोक देते हो, 3 दिन के ऊपर जाते हो, 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिनों में ऑटोफजी आपके बॉडी में शुरू हो जाती है और आपका शरीर जो है, शरीर के अंदर रहने वाले जितनी बीमारियां हैं, यहां तक कि कैंसरस सेल अगर आपकी बॉडी में है तो उसको भी निकाल कर बाहर फेंक देती है। सोचिए यहां पर बैठे हुए लोग कितने लोग हैं जो मेडिकेशन पे है, ऑलरेडी मेडिकेशन पे है, ऐसे कितने लोग हैं, ऑलमोस्ट 50%। तो आप लोग जो है अब तक सिर्फ इस बात को जानते हो कि अब तक आपको कौन सी बीमारियां हो चुकी है, ये आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आने वाले 5 साल में और नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपको कौन सी बीमारी होने वाली है। आज कैंसर घर घर की कहानी बन चुका है। 20-20 साल की बच्चियां आती है, यंगस्टर्स आती है, महिलाएं आती है जिनको कैंसर हो रहा है, और उपवास करके आप अपने पूरे भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं, पुराने सारे पाप भी धो सकते हैं, बीमारियों को साफ कर सकते हैं और आने वाले भविष्य की बीमारियों से भी अपने आप को सुरक्षित बना सकते हैं। और कितने सही समय पे प्रोग्राम हो रहा है, बस नवरात्र आने वाले हैं बहुत जल्द और उससे पहले ये प्रोग्राम हो रहा है, राइट। तो आप सभी लोगों के पास ये मौका है कि नवरात्र के बहाने आप अपने घर में जो भी, मैं आपको अलग अलग तरीके के फास्टिंग बताऊंगा, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे वो फास्टिंग आप अपने घर पे कर सकते हैं, राइट। सो वो फास्टिंग मैं आपको दिखाता हूं वो कौन से होते हैं, लेवल्स ऑफ फास्टिंग या डिटॉक्सिफिकेशन। आप फ्रूट और सब्जियों पे, यानी सूप पी के या फ्रूट्स खा के भी फास्टिंग कर सकते हैं, आप केवल फ्रूट्स पे भी फास्टिंग कर सकते हैं, ऋतु के अनुसार जो भी फ्रूट्स आते हैं उस पे आप फास्टिंग कर सकते हैं, आप केवल नींबू पानी पे, मोनोडाइट यानी केवल नींबू पानी पे भी उपवास कर सकते हैं, आप पानी पे भी उपवास कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी पी के भी उपवास कर सकते हैं, या फिर आप निर्जला उपवास भी कर सकते हैं, यानी जिसको कहते हैं एयर फास्टिंग, राइट। फास्टिंग कैसे करना, कब करना, कितना करना, इस पे हम सवाल जवाब में इसको कवर कर लेंगे, लेकिन अलग अलग प्रकार के फास्टिंग है जो आप अपने घर रह के अपनी बॉडी की क्षमता से कर सकते हैं। बिल्कुल कोई भी इंसान उपवास करेगा अपने घर पे तो शरीर को टॉर्चर करके उपवास नहीं करना है। बिना टॉर्चर के आपका बॉडी आपको कितना सपोर्ट करता है सिर्फ उतना, पहली बार उपवास करेंगे तो सिर्फ 16 घंटे का उपवास करके देखिए, रोज 8-10 घंटे का तो उपवास सोते वक्त हम करते ही है, पहली बार 16 घंटे का करके देखिए, बाद में 24 घंटे का करके देखिए, बाद में 36 घंटे पे पहुंचिए, बाद में 48 घंटे ट्राई कीजिए, धीरे धीरे आप ऑटोफजी तक पहुंचिए। रातों रात नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा, सडनली आपका बॉडी उपवास के लिए सपोर्ट नहीं करेगा। विड्रॉल सिम्टम्स होंगे जिसमें सरदर्द हो सकता है, उल्टियां हो सकती है, इसीलिए मैं कहता हूं कि टॉर्चर मोड पे कोई भी उपवास नहीं करेगा, ये हानिकारक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। जितना आपका बॉडी आपको कंफर्टेबली अलाउ करे, सपोर्ट करे, सिर्फ उतना उपवास करेंगे। और हर हफ्ते में एक बार का प्रैक्टिस बनाना शुरू कीजिए, एक दिन के उपवास से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे ये प्रैक्टिस को आप बढ़ा सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं इसी विषय को लेकर। फास्टिंग जब करते हैं तो लिटरली 3 दिन के उपवास के बाद ब्लैक कलर के स्टूल निकलने शुरू होते हैं। 12 दिन का ओजस का रिट्रीट होता है, जिसके बारे में सचिन भाई और ममता जी बता रहे थे, जो मेरे प्रोग्राम में आए थे। जो लोग घर पे उपवास नहीं कर पाते, वो जो लोग बहुत ज्यादा फूडी है, देखिए ना, वैसे भी मेरे प्रोग्राम में वही लोग आते हैं जो बहुत ज्यादा फूडी होते हैं, है ना। जो ज्यादा फूडी नहीं है ना, वो ज्यादा बीमार भी नहीं होते, राइट। तो जो लोग घर में अपने एटमॉस्फेयर में फास्टिंग नहीं कर पाते वो हमारे 12 दिन के प्रोग्राम में आते हैं और वहां आके फास्टिंग करते हैं। लेकिन वो प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल हेल्थ सेलिब्रेशन का प्रोग्राम होता है। 12 दिन के लिए पूरे देश भर में से 200 से ज्यादा लोग आते हैं हर महीने मेरे साथ
रहने के लिए 12 दिन मेरे साथ रहते हैं, और वहां रह के वो एक दूसरे के साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्राम होता है, फुल्ली डेमोक्रेटिक प्रोग्राम, मानी किचन चालू होता है, मैं सिर्फ नॉलेज शेयर करता हूं और वो अपनी मर्जी से अपनी बॉडी की क्षमता से उपवास करते हैं। हम किसी को भी जबरदस्ती उपवास नहीं करवाते, साथ में हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम होती है जो आपके वाइटल्स को मॉनिटर करती रहती है रोजाना सुबह शाम, और उस तरीके से हमारी निगरानी में हम फास्टिंग के प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। लेकिन वहाँ खाने पीने की पूरी सुविधा भी उपलब्ध होती है, यानी किसी को जबरदस्ती उपवास नहीं करवाया जाता। लेकिन ग्रुप एनर्जी इतनी हाई होती है कि एक भी इंसान फेल नहीं होता और सब सक्सेसफुली उपवास करके जाते हैं। पिछले एक साल का रिकॉर्ड आपको बताता हूं कि एक साल में हजारों लोगों ने मेरे साथ उपवास किया है, लेकिन एक भी इंसान, सिंगल बंदा ऐसा वापस नहीं गया है जिसको ब्लैक कलर के डांबर ना निकले हो, पॉटी ना निकली हो, राइट? आप घर पे भी ये प्रोग्राम कर सकते हैं। नवरात्र के दरमियान हमारे ऑनलाइन फास्टिंग प्रोग्राम होते हैं जो एब्सोल्युटली फ्री एंड ओपन टू ऑल होते हैं, तो आप उस जूम कॉल पे जुड़ के भी आप अपने घरों में बैठकर भी सेफ्टी से फास्टिंग कर सकते हैं, बॉडी की क्षमता से फास्टिंग कर सकते हैं, तो वहां पे भी आपको टोटल गाइडेंस जो है वहां दिया जाता है। अब एक थोड़ी देर आप लोगों से आधे घंटा और लूंगा और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ आज मैं आपके सामने, कुछ कुदरत के ऐसे फैक्ट आपके सामने रखने वाला हूं जो आपको शायद आज तक किसी ने बताया ना हो, तो उस चीजों को जान लीजिए, कुछ कुदरत के कानून को जान लीजिए। सबसे पहले अब तक की मेरी बातों में आप समझ चुके होंगे कि हेल्थ के लिए क्या करना है। तो मेरे पीछे जो इमारत आपको दिखाई दे रही है, ये इमारत 120 साल जीने के लिए बनी थी, पता है ना आपको सबको, लेकिन 120 साल तक ये इमारत खड़ी रहेगी या नहीं रहेगी वो किस बात पे निर्भर करता है उसे देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ फूड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी ऑफ फूड, भोजन की मात्रा। जिनके जिनके पेट के मटके बिना गुड न्यूज के बाहर निकले हुए, उन सबको इस बात को जान लेना चाहिए कि आपका पेट जो है वो आपकी मुट्ठी के बराबर है। आप अपनी मुट्ठी कैसे बना के देखिए जरा, आप अपनी मुट्ठी बना के देखिए, ये आपकी पेट का साइज है, 13x5 सेंटीमीटर, इंच नहीं बोल रहा हूं, सेंटीमीटर। और एक बार में अगर ठोस भोजन आप खाते हैं तो 150 ग्राम, ठोस यानी अनाज, अगर सब्जियां खाते हैं तो 300-400 ग्राम तक आप खा सकते हैं सिर्फ सब्जियां खाते हैं तो, और अगर सिर्फ फ्रूट खाते हैं तो एक बार में आप 500 ग्राम तक भी फ्रूट खा सकते हैं क्योंकि उसमें पानी ज्यादा होता है। लेकिन अनाज अगर खाते हैं तो एक बार में 150 ग्राम, लेकिन हम करते क्या है, एक बार में आधा किलो अनाज खा लेते हैं और फिर धीरे धीरे इस पेट का इलास्टिक ढीला हो जाता है और धीरे धीरे ये जो शोरूम है ये क्या हो जाता है, गोदाम बन जाता है, राइट? सो अगर आपका भी मध्य प्रदेश बाहर निकला हुआ है तो आपको अपने, चिंता मत कीजिए, अगर आपका मध्य प्रदेश बाहर निकला है तो आपको अपने मध्य प्रदेश को ठीक नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने उत्तर प्रदेश को ठीक करना है। और वो उत्तर प्रदेश आज इस कार्यक्रम में यहीं बैठे बैठे अपने आप ठीक हो जाएगा मेरी बातों से। भगवान ने जो वायरिंग की थी वो वायरिंग गड़बड़ हो चुकी है और उसी वायरिंग को मैं रीवायर कर रहा हूं इस यूनिवर्सल फैक्ट के जरिए, कुदरत के नियमों के जरिए, राइट? सो आगे सुनते हैं, क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाई टू फिल बेली, क्यों खाए, बिना भूख के कभी खाना मत खाइए। इस धरती पे शरीर पे होने वाला सबसे बड़ा अत्याचार अगर कोई है तो वो है बिना भूख के खाना खाना। जिंदगी में कभी भी बिना भूख के खाना मत खाइए, वही इंसान को बीमार बनाता है। अपनी पेट की भूख को देखिए, दो जगह से भूख लगती है, एक मन से और दूसरी पेट से। अगर पेट में भूख हो तो ही खाइए, वरना मन की भूख जो है वो बार बार आपको परेशान करेगी और धीरे धीरे आपको बहुत ज्यादा बीमार बना देगी, राइट?
सो पेट की भूख का ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, आपका भोजन ही आपकी औषधि है, मेडिसिन है। शरीर जो है, आप सभी लोगों ने जान लिया कि इन पांच तत्वों से बना है और इसी को मदर नेचर कहते हैं, मां प्रकृति कहते हैं। संसार के सभी पशु प्राणी स्वस्थ क्यों रहते हैं? क्योंकि वो इन पांच चीजों का बैलेंस करते हैं, वो मां प्रकृति की गोद में रहते हैं, वो खाना जो है वो नेचुरल लाइफ जीते हैं। और खाना कहां से खाते हैं ये लोग, बताइए आप लोग, इनका खाना कौन बनाता है? नेचर, प्रकृति। और हमारे इंसान का खाना कैसे बनता है? हम लोग नेचर से फूड तो लेकर आते हैं, लेकिन उसको दोबारा प्रोसेस करके पका के खाते हैं, एज इट इज नहीं खाते, राइट? सो ये सभी लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते, स्वस्थ क्यों रहते हैं? क्योंकि प्रकृति का दिया हुआ खाना खाते हैं और प्रकृति की गोद में रहते हैं। और हम इंसान बीमार क्यों है? क्योंकि हमने प्रकृति माँ को भी छोड़ दिया और उसके खाने को भी छोड़ दिया, राइट? आगे इंफॉर्मेशन, इसके कारण, प्रकृति को छोड़ने के कारण आज 75% लोग जो है वो बीमार है। इस दुनिया में हर 4 में से 3 लोग बीमार है बिकॉज कि हमने नेचर को छोड़ दिया, राइट? आगे बढ़ते हैं विषय पर। अभी अभी मैंने आपसे कहा कि ये सारे पशु प्राणी नेचर से अपना फूड खाते हैं। मेरे पीछे कुछ अलग अलग बर्ड्स एंड एनिमल्स के फोटो है और ये सभी लोग जो है इस बात को भली भांति जानते हैं कि भगवान ने उनको क्या खाने के लिए डिजाइन किया था। मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए कि भगवान ने शेर को क्या खाने के लिए डिजाइन किया है? यस, मांस, मीट, राइट? अच्छा, जो गाय होती है, गाय क्या खाने के लिए डिजाइन हुई है? ग्रास। अच्छा, शेर भूखा है, शेर भूखा है, पिंजरे में बंद है, उसको जाके ग्रास खिलाएंगे तो खा लेगा? शेर भूखा मर जाएगा लेकिन ग्रास नहीं खाएगा। अच्छा, आप लोग जहां पर भी रहते हैं, अपने घर के आसपास में कोई कबूतर रहते हैं आपके पास? कबूतर देखे, उनका फूड क्या है बताइए? दाना। अच्छा, ओके, अगर ये कबूतर जो है इसके पास आप लोग फ्रूट लेकर जाए तो क्या ये फ्रूट खा लेगा बताइए? यस और नो? नहीं। तो यानी उसको पता है कि भगवान ने उसको क्या खाने के लिए डिजाइन किया है, राइट? सो ये सारे पशु प्राणी जो दुनिया में है ये जानते हैं कि वो क्या खाने के लिए डिजाइन हुए हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि भगवान ने जब हमको इस धरती पे भेजा या प्रकृति ने जब हमको बनाया तो हमको क्या खाने के लिए डिजाइन किया था? चलिए एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं और आप ही लोगों से जवाब निकाल कर लेते हैं। आप सभी लोग मान लीजिए कि एक दिन के लिए आप लोग जंगल में हैं, एक दिन के लिए, और आपको नेचर का फूड खाना है। कोई भी इंसान का बनाया हुआ खाने का ऑप्शन नहीं है आपके पास, सिर्फ नेचर का फूड आपके पास अवेलेबल है। और जंगल के ऑप्शन मैं आपके सामने रखता हूं कि आपके पास क्या ऑप्शन होंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास होगा फ्रूट्स, सेकेंड ऑप्शन होगा वेजिटेबल्स, थर्ड ऑप्शन होगा ग्रेन्स, फोर्थ ऑप्शन होगा मिल्क, फिफ्थ ऑप्शन होगा, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए जंगल में बहुत सारे जानवर होंगे जिंदा। अब आप लोग मुझे जवाब दीजिए, आप इस जंगल में हैं और आपको नेचर का फूड खाना है, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, इनमें से कौन सी चीज है जिसको देखकर सबसे पहला आपका माउथ वाटरिंग करेगा, आपके मुंह में पानी आएगा? यस, फ्रूट्स, लवली। और फ्रूट का ऑप्शन अगर हटा दिया जाए तो सेकेंड वेजिटेबल्स। आपको पता है कि आप लोगों ने जो जवाब दिया उसका मतलब क्या है? कि जब भगवान ने इंसान को बनाया तो केवल 2 चीजें खाने के लिए डिजाइन किया था, पहला फ्रूट और सेकेंड वेजिटेबल। फ्रूट एनर्जी के लिए और वेजिटेबल हमारे बॉडी की मेडिसिन थी। तो भगवान के द्वारा जब हम बने तो केवल 2 चीजें खाने के लिए हम बने थे, पहला फ्रूट और दूसरा वेजिटेबल, राइट? बाकी स्क्रीन पर दिखाए हुए फूड में कोई भी हमारा इंसान का भोजन नहीं है। इनमें से एक एक फूड को हम एनालाइज करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, शायद कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हेलो, कुछ अनाउंसमेंट है?
मुझे बताया गया कि कुछ स्टॉप करने की ओके सो सेमिनार अभी होल्ड करें ओके ग्रेट तो एक 10 मिनट लो कंप्लीट करने के लिए ओके राइट सो आप लोगों से भी परमिशन मांगना चाहूंगा कि थोड़ा सा प्रोग्राम डिले होके शुरुआत हुआ है और एक 15 मिनट्स का नॉलेज पेंडिंग है तो अगर आप सभी लोगों की अनुमति हो थैंक यू सो मच सो इनमें से एक एक चीज को एनालाइज करते हैं चारों को और हम अपनी बातों को विराम देंगे कंप्लीट करेंगे और कल से आपको घर जाके क्या करना है उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे राइट उसके बाद हम लोग सेलिब्रेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो अब सब चीजों को हम एक एक करके एनालाइज करेंगे अगर मुझे बताइए जब इंसान के पास आग नहीं थी जब इंसान के पास फायर नहीं थी तो उसका खाना कैसा था समझ में आया राइट और अच्छा एक बात का और जवाब दीजिए बाय डिफॉल्ट इंसान को सब पता है तो एक बात का और जवाब दीजिए कि अगर आप लोग किसी बीमार व्यक्ति से उसके मिलने के लिए उसके घर जाए या हॉस्पिटल जाए तो उसके लिए क्या लेकर जाएंगे बाय डिफॉल्ट इंसान को सब पता है कि बीमार इंसान फ्रूट खाएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा राइट और फ्रूट्स के बाद सेकेंड नंबर पे था वेजिटेबल्स तो आज से आप सभी लोगों के जीवन में दो प्रकार के वेजिटेबल्स होंगे एक लिविंग फूड और दूसरा डेड फूड एक बार जो खाना आग पे चढ़ गया वो मर गया और एक बार जो मर गया वो किसी और को जीवन नहीं दे सकता जिसके खुद के पास जीवन नहीं है आप सोचिए जिसके खुद के पास जीवन नहीं है वो किसी और को जीवन कैसे देगा इसीलिए आज जो यहाँ के भोजन की व्यवस्था है उसमें पहले ढेर सारे ओजस के एग्जॉटिक सैलड्स है फैंसी सैलड्स है जिसको खा के आप इतने तृप्त हो जाएंगे कि आगे का खाना खाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे खाना नहीं है आगे बहुत सारी वैरायटी और भी खाने की बनी है जो कुक्ड फूड है बना हुआ खाना पका हुआ खाना भी है आज क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन है लेकिन यहाँ पर मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा प्रॉमिस लेना चाहता हूँ कि आज क्या करेंगे कि जब खाना खाने जाएंगे तो पहले 15 मिनट मिनिमम कम से कम 15 मिनट तक सिर्फ सैलेड को खाएंगे उसका आनंद लेंगे और उसके बाद आप जो भी खाना चाहते हैं वहां पे जो भी है पुलाव है कड़ी है जो भी है वो आप सब एंजॉय कर सकते हैं राइट स्वीट है डिजर्ट है सब कुछ है लेकिन पहले 15 मिनट प्लेट में सिर्फ सैलेड को एंजॉय करेंगे कुक फूड को नहीं लेंगे एक बार पका हुआ खाना आपकी थाली में आ गया तो ये सैलेड की कीमत जो है वो फूटी कौड़ी की भी नहीं रह जाती राइट तो सैलेड पहले नहीं लेंगे पहले सॉरी सैलेड पहले लेंगे और कुक फूड जो है वो 15 मिनट के बाद लेंगे क्योंकि सैलेड को खाने में थोड़ा टाइम लगता है यू हैव टू चीव राइट आपको चबाने में थोड़ा टाइम लगता है तो आज से आपके जीवन में दो प्रकार के फूड एक लिविंग फूड और दूसरा डेड फूड तीसरे नंबर पे जो था वो था ग्रेन्स अनाज उसको एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए अनाज की बनावट कैसी रहती है ये अगर मैं आपके हाथ में दूं खाने के लिए तो आप में से एक भी इंसान इसको अपने दांतों से मुंह से निकाल के नहीं खा सकता एक भी दाना आप नहीं निकाल पाओगे पता है आपको क्यों नहीं निकाल पाओगे क्योंकि इसका दाना निकालने के लिए चाहिए चोंच क्या चाहिए चोंच और वो चोंच हम इंसानों के पास है बहुत सारे चोचले इन्हीं चोचलों की वजह से इंसान ने अपने भोजन का मनोरंजन बना दिया और इसी मनोरंजन की वजह से इंसान की हेल्थ ये भी एक मनोरंजन बन गई और हॉस्पिटल में जाके इसका खूब मनोरंजन होता है बाद में समझ में आ रहा है मेरी बातें राइट दुनिया के किसी भी जानवर के लिए भोजन कोई मनोरंजन नहीं है सिर्फ इंसान ने यह काम किया है किसी और ने नहीं राइट आपको अगर मेरी बात पे भरोसा ना हो तो गूगल करके देखिए मिलेट वॉज ऑलवेज अ बर्ड फूड यहां पे एक छोटा सा उदाहरण रखता हूं गाय जो होती है ना गाय उसका खाना होता है घास फूस तो इसके नीचे की जो चीज है वो गाय का फूड होता है काऊ का फूड और गाय को जो है वो भगवान ने चबाने का वरदान दिया है चबाने का वरदान किसको दिया है गाय को अब गाय गलती से जब ये खाती है तो ऊपर का अनाज भी खा जाती है
लेकिन जब गाय पॉटी करेगी तब जाके वहां पे देखना, वो अनाज के दाने अक्खे निकाल के बाहर फेंक देगी, क्योंकि उसको पता है कि उसका फूड नहीं है। राइट? और चौथे नंबर पे था मिल्क, और मिल्क के लिए आपके सामने दो पिक्चर्स हैं। नीचे एक पिक्चर है अनपढ़ बच्चे का, ऊपर एक पिक्चर है पढ़े लिखे बच्चे का। आप खुद समझदार है, मुझे जवाब दीजिए, इन दोनों में से कौन सा पिक्चर आपको नेचुरल नजर आता है? नीचे वाला, राइट? और इसीलिए आज हमारे देश के बड़े बड़े दिग्गज सेलिब्रिटीज वीगन बनते जा रहे हैं, वीगन। सो प्लीज थिंक अबाउट दिस। मेरा ये सेमिनार बहुत छोटा सेमिनार है। मेरी ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहां से ज्यादा जानकारी आपको हासिल हो सकती है। राइट? और लास्ट स्लाइड आज के दिन की, कि घर जाके कल से क्या फॉलो करना है उसे देख लीजिए। 14 घंटे का दैनिक उपवास, 14 घंटे का दैनिक उपवास, यानी रोज आपको 14 घंटे का उपवास करना है। यानी रात का खाना जल्दी खा लेना है या फिर सुबह का ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट कर देना है, दोनों में से एक। 14 घंटे का गैप होना चाहिए फ्रॉम योर डिनर टू योर ब्रेकफास्ट। सेकेंड नंबर पे है 60 मिनट्स ऑफ सन बेथिंग एवरी वीक। हर हफ्ते में 60 मिनट के लिए कम से कम धूप का सेवन करना है, बैक को एक्सपोज करके धूप लेना है। रोज अगर धूप लेते हैं तो 15-20 मिनट, और हफ्ते में एक दिन धूप लेते हैं तो 60 मिनट के लिए धूप लेनी है, लेकिन 20-20 मिनट के बाद गैप देना है, 5 मिनट का होल्ड देना है, और उसके बाद वापस जाके धूप में लेटना है, पीछे बैक से सनलाइट लेनी है। और आप सभी लोग जानते हैं कि बाहर के देशों में जहां पे धूप नहीं निकलती वहां के लोगों में ये सनलाइट की वैल्यू क्या है, लेकिन हमारे देश के लोगों में इसकी वैल्यू नहीं होती। राइट? आगे बढ़ते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद है, उसके बाद है ब्रेकफास्ट। सुबह का नाश्ता जो है वो केवल और केवल फ्रूट्स होना चाहिए। हमारे से जुड़े हुए जो ओजस परिवार के लोग हैं वो सुबह नाश्ते में एक टाइम केवल फ्रूट्स खाते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हम लोग सुबह दिन की शुरुआत जो है केवल फ्रूट से करते हैं, वेजिटेबल से करते हैं। राइट? और दोपहर को खाना खाने से पहले सैलेड, और शाम को भी खाना खाने से पहले सैलेड और उसके बाद खाना, 50-50 बैलेंस। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। राइट? और जब भी खाना खाए तो खाना घर का बना हुआ सिंपल होममेड फूड हो, कोई भी बाहर का होटल का खाना ना हो, इस बात का ध्यान दें। और एक लास्ट पिक्चर, अ हाफ नॉलेज इज डेंजरस। अधूरा ज्ञान लेकर आप किसी को नॉलेज मत बांटिए। मेरे नाम से अफवाहें मत फैलाएं कि अतुल भाई लोगों को दूध पीने को मना करते हैं, अतुल भाई लोगों को पका हुआ खाने को मना करते हैं। प्लीज ऐसी कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन आप लोग स्प्रेड नहीं करेंगे। दूध पीना है शौक से पीजिए, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पचा सकते हैं तो पीजिए, नहीं पचेगा तो बलगम बनेगा और उससे बीमारियां होगी। आई बात समझ में? तो मैं किसी को कुछ मना नहीं करता हूं। आप खुद समझदार है, आप अपने शरीर को समझिए और उसके हिसाब से अपने खाने पीने को उसके अनुकूल आप ढाल लीजिए। सो हाफ नॉलेज इज डेंजरस, इस बात को याद रखिए। लास्ट में कुछ सपोर्ट के लिए आपको नंबर शेयर करता हूं, आप लोग इसके पिक्चर ले सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इससे आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। हमारे दूसरे प्रोग्राम के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तब भी आप इस पे कॉल कर सकते हैं। एक बर्थडे सेलिब्रेशन इसके पीछे शुरू होने जा रहा है। आज सचिन भाई, जिन्होंने अपने बर्थडे के अवसर पे इस नोबल कॉज के लिए, लोग अपना जन्मदिन कुछ लोग गौशाला में मनाते हैं कुछ लोग, राइट? तो आज उन्होंने अपने समाज के लिए, लोगों के लिए आज अपना जन्मदिन जो है कुछ नए तरीके से मनाया है और समाज को, सोसाइटी को एक गिफ्ट दी है हेल्थ की, और उनका बर्थडे का सेलिब्रेशन बनता है। तो हम सभी लोग थोड़ी सी जो है समय और यहाँ पे स्पेंड करेंगे उनके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। यूनिक बर्थडे है, केक आज आपको जो मिलने वाला है यहाँ पर, वो केक आपने लाइफ में कभी नहीं खाया होगा, ऐसा यूनिक केक आज आप लोग खाने वाले हैं। सारा जो आपका एक्सपीरियंस है वो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस यूनिक होने वाला है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट व्हाट्सएप से स्कैन करके भी आप इस ग्रुप में एंट्री ले सकते हैं। राइट? और मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट जो हमारे होस्ट है वो एक बार आगे आ जाए। डॉक्टर प्रियंका
छोटे में आइए, एक डॉक्टर है हमारे साथ, एक लास्ट उनके दो वर्ड्स कि बीइंग अ डॉक्टर जो मैंने कहा है वो क्या प्रमाणित करती है, उसे एक बार सुन लेते हैं और मैं अपनी तरफ से कंप्लीट हूँ। थैंक यू सो मच बीइंग अ सो पेशेंट ऑडियंस। अब सचिन भाई के बर्थडे को हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन दो शब्द डॉक्टर प्रियंका की तरफ से कि वो क्या कहना चाहती है जो मैंने बातें आज शेयर की है उसके बारे में, उनका एक्सपीरियंस क्या है। थोड़ा माइक अगर आप प्लीज। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू सो मच। यस, आई विल ट्राई टू रैप इट इन लाइक एज शॉर्ट एज पॉसिबल। सबसे पहले तो मैं आप सबको यहाँ पे आने के लिए खुद को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करने बोलूंगी, बिकॉज इट शोज दैट इट इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर हेल्दी लाइफ। एक बार टीम ओजस भी, एक बार मंच पे आ जाइए। सेमिनार के बाद अगर आप बात करना चाहते हैं तो टीम ओजस से बात कर सकते हैं, तो आप एक बार उनके चेहरे देख लीजिए। डॉक्टर मुकेश उदानी आप भी आइए एक बार स्टेज पे। डॉक्टर मुकेश, टीम ओजस से आज का जो फूड बना है उसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ है, टीम का बैकग्राउंड में टीम है, वो लोग उसी में बिजी है, तो आप उनको भी एक बार चेहरे देख लीजिए। हसमुख भाई जो मुंबई से हमारे साथ आए हैं, ममता जी, रीटा जी और डॉक्टर मुकेश उदानी मेडिकल डॉक्टर है, MBBS है और मुंबई में अपने दो हॉस्पिटल है, उनके खुद के अपने दो हॉस्पिटल है, तो इस प्रोग्राम के बाद आप उनसे बात कर सकते हैं। उन्होंने अपने पूरे परिवार के लोगों को ओजस का रिट्रीट गिफ्ट कर दिया है और सबको ओजस्वी बना दिया है, मेडिसिन फ्री बना दिया है। ऐसे डॉक्टर्स बहुत कम मिलते हैं समाज में, राइट? या जी प्रियंका जी, प्लीज कंप्लीट योर। थैंक यू अतुल भाई, एंड आल्सो आई वांट एवरीबॉडी टू गिव अतुल जी अ बिग लाउड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सो मच अतुल भाई। मैं अतुल भाई के साथ 2 साल से जुड़ी हुई हूँ एंड वी जस्ट हैपन टू गो टू हिज प्लेस एंड आई हैव सीन कि उनकी जो पूरी फैमिली है, हिज वाइफ, हिज सिस्टर, सब लोग अपना पूरा उन्होंने लाइफ हमारी हेल्थ सुधारने के लिए दिया है। सो थैंक यू सो मच। लाइक वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स वी हैव इज टाइम एंड दैट इज़ वॉट ही इज गिविंग अस होल हार्टेडली। एंड समथिंग दैट आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू इन शॉर्ट इज दैट आई हैव बिन ऑन दिस जर्नी सिंस 5 years इन टू लाइक हेल्दी ईटिंग। मैंने मेरे पराठा चाय पहले बंद किया, देन मिल्क 5 साल पहले बंद किया एंड आई स्टार्टेड लाइक हैविंग लिविंग अ सात्विक लाइफ। एंड आफ्टर 3 years ऑफ ऑन माई जर्नी आई हैपन टू लाइक गो टू अतुल भाई एंड वी हैव सेंट लाइक मोर देन 200 पीपल फ्रॉम आर फैमिली, लाइक अग्रवाल फैमिली, फ्रेंड्स, एंड आई हैवंट मेट इवन 1 पर्सन हु हैज़ सेड कि उनको वो पसंद नहीं आया या उनको कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। And something about me, I'm a dentist, I'm a prosthodontist, I'm an implantologist, I'm a Vedic astrologer, I'm a yoga teacher, and I am traveling the world. I am having like so many experiences and I can say that one of the best experiences I had was at the Ojos camp. Like it was one of the best. And I am a very curious person. तो अतुल भाई के पास जाने के बाद वी स्टार्टेड ऑन आवर जर्नी एंड आप सबको पता है कि हेल्थ बेनिफिट्स तो है ही, पीपल हैव लाइक पीपल आर मेडिसिन फ्री, डिप्रेशन फ्री, डायबिटीज फ्री, वो सब तो है ही। लेकिन उसके आई वेंट टू हिपोक्रेटिस इंस्टीट्यूट इन द यूनाइटेड स्टेट्स विच कैन आई प्लीज, लाइक दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। टू मिनट्स, थैंक यू। तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स गई जहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है टू क्योर डिजीजेस एंड वो लोग सेम जैसे अतुल भाई करते हैं वैसे नेचुरल लिविंग से लोगों का कैंसर रिवर्स करते हैं। मैंने खुद वो लोगों को मिली हूँ, खुद की आंखों से देखा है एंड आई मस्ट से दैट वी आर सो ब्लेस्ड एंड सो लकी दैट वी हैव अतुल भाई इन इंडिया हु इज टीचिंग समथिंग ऑन सिमिलर लाइन्स फॉर ऑल ऑफ अस। सो प्लीज़ आप उसका फ़ायदा उठाइए एंड यू गो देयर। And there is a disease he mentioned about that is sleep apnea and it is an epidemic. You can go home, Google about it and why it is happening is because jo hamara jaw hai wo theek se develop nahi ho raha hai
एंड द रीजन आई एम स्टडिंग इट एंड आई कैन टेल यू कि वो क्यों डेवलप नहीं हो रहा है, बिकॉज हम लोग खाना हमारे बच्चों को सही नहीं दे रहे हैं, उनको मिक्सी में खाना पीस पीस के खिला रहे हैं, बट अगर हम लोग ने उनको कच्चा खाना खिलाया, हमारे साथ हेल्दी खाना खिलाया, तो उनका जॉ डेवलप होगा, उससे उनकी नोज जो है वो डेवलप होगी, उनकी एयरवे डेवलप होगी एंड उससे स्लीप एपनिया नहीं होगा. तो इसीलिए एवरीथिंग स्टार्ट्स एंड स्टेम्स फ्रॉम ईटिंग रॉ एंड हेल्दी फूड. सो प्लीज यस नो आई एम डन, थैंक यू. सो या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. प्लीज गिव इट फॉर प्रियंका जी गाइस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू. ऑल राइट, वाव, आई एम ऑनर्ड कि मुझे ये सेशन होस्ट के द्वारा यू नो यहाँ पे अटेंड करने के लिए मिला. थैंक यू सो मच. आई थिंक बिफोर वी कॉल द केक कटिंग, एक ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अतुल शाह एंड टीम. सो प्लीज कम एवरीबॉडी, लाउडेस्ट अप्लॉज, लाउडेस्ट. ओके, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस क्विकली. देयर आर फाइव सेशंस. ओके, सो अब हम तैयार है. ओके, मिस्टर सचिन बंसल इकड़े बसले होते, पण आम्ही त्यांना गायब केलंय, अंधेरा हो चुका है. ऑलराइट, सो अब उनका मोमेंट स्पेशल करने के लिए तैयार हो जाएंगे. सो ऑडियंस, फैमिलीज, फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, सीए फ्रेंड, बिजनेस फ्रेंड और ऐसे कलीग्स, आर यू रेडी टू वेलकम सचिन इन द हाउस? अरे आवाज यार, आर यू रेडी? तो चलिए दोस्तों, पुट योर फ्लैश लाइट्स ऑन. ऑलराइट, कैन यू प्लीज स्विच ऑफ दिस लाइट ऑल्सो, इसको डिम कर दो, स्क्रीन को डिम कर दो. एंड एक ऐसा, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी टॉर्च लाइट्स ऑन, एवरीबॉडी टॉर्च लाइट्स ऑन. राइट, लेट्स डू दिस. द मैन विथ 5 degrees, आई शपथ, सीरियसली, बीकॉम, एनकॉम, एलएलबी, एमबीए, क्या कुछ नहीं, और पीएचडी भी कर रहे. एवरीबॉडी, आर यू विथ मी? लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम टू बिगिन द न्यू लाइफ आफ्टर 50 years. सभी को फोन वेव करना है एंड वी वेलकम नन अदर देन मेरे प्यारे प्यारे भाई मिस्टर सीएस सचिन बंसल. म्यूजिक प्लीज, म्यूजिक लाउडर, कम ऑन, वे 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 वे, ये ये, स्लो स्लो, कम स्लो. Thank you so much. Thank you so much. Make some noise for the man. You know, there you go. He deserves that because, you know, 50th birthday. Maine recently do kiye. I mean, one was abhi nahi. Anil Mittal ka kiya tha. Wahan pe he had some good idea. Mere nahi. Matlab mere bhai log ke. So, and another one is this. Sachin Bansal jo health awareness create kiya hai. Give me a shout out अगर आपको ये session पसंद आया तो please come on. Yeah, I learned a lot, especially about the new epidemic जिसे प्रियंका जी ने कहा sleep apnea. So I'm going to study about that. But before that, let's dive into the birthday. But Siddhi, I want you to take the mic because this is a platform where you can actually dedicate few words. Impromptu है ये, okay? जो दिल में आ रहा है वो बोलना है to your family, to the entire friends over here, okay? Go for it today.
गुड इवनिंग एवरीबडी. हम सबको पता है कि पापा इज द मोस्ट हम्बल पर्सन इन दिस एंटायर वर्ल्ड. उनको किसी से कभी किसी ने कंप्लेन नहीं किया एंड ही इज द मोस्ट सपोर्टिव फादर इन द एंटायर वर्ल्ड. दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, वो कभी सपोर्ट नहीं छोड़ेंगे मेरा और दिया दोनों का. एंड पूरे फैमिली को एक साथ लेके पूरे सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज करते हैं. फैमिली, फ्रेंड्स, क्लाइंट्स, एवरीबडी एंड एवरीबडी विल अग्री हियर इन द रूम. एंड उनका वैसे एडुकेशन तो सबको पता ही है. ही हैज 5 degrees, BCom, MCom, LLB, MBA, CA, and he is still pursuing his PhD currently. Soon he will be Dr. CA Sachin Bansal. Yeah, Baba ji, ab bolo. Beta ho to Sachin jaisa. इसे कहते हैं फुल बाप का एरोगेंस भाई. एक लाइन में कंप्लीट खत्म. सब कुछ बोल दिया सर आपने. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आए हाय किधर गए वो बेटे थे, दीक्षा एंड वेरा यू आकाश या वाइफ, आई एम कॉलिंग वाइफ. ठीक है, वो तब से मुझे बोल रहे थे कि आप सिर्फ सिंगल लोग को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, बट नहीं, वाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अक्सर क्या होता है, पेमेंट यहीं से निकलता है. नो, ऑन अ सीरियस नोट मैम, प्लीज दिस इज योर मोमेंट. आई एम श्योर इन्होंने कुछ, बाय द वे, कुछ स्पीच प्रिपेयर नहीं है, बट मैं चाहता हूँ दिल से जो आए बस बोलना है गुड ओनली. ठीक है, ऑलराइट मैम, ऑल योर्स. Somebody asked me what is the secret ingredients of happy marriage. I would love to reply, the best secret ingredients of my life is my wonderful husband. Thank you. Yeah, and also I want Bahu Rani and Diksha, can you please be here to say a few words, you know, before we move to the next session, because that is an important thing. And anybody else, one or two people, friends mein se koi hai, because मैं इतना देख रहा हूँ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर, इट्स अ पैक हाउस, मुझे कोई बॉलीवुड की पिक्चर लग रही है ये, है ना. सो इट वुड बी रियली ग्रेट इफ वन और टू मोर पीपल कैन रेज अ टोस्ट. दीक्षा, माइक इज ऑल योर्स. थैंक यू सो मच. मामा इज अ वेरी स्पेशल इमोशन. जैसे बोलते हैं दो बार माँ का उच्चारण होता है, तो डबल मस्ती, डबल प्यार, डबल केयर, डबल ऑसमनेस, डबल स्वीटनेस, और उसी तरह हम डबल तंग भी करते हैं उनको. बट मामा हमेशा स्माइल करते हैं एंड ही इज़ अ वेरी कूल मामा, वेरी ईजी गो लकी पर्सन. और वो जेंजी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मामा की वाइब तो फुल है एकदम. वो एंड आई नेवर गॉट अ फीलिंग ऑफ मामा ससुर फ्रॉम हिम. एंड मामा, आपके बर्थडे पे एक ये अपॉर्चुनिटी स्टील करूँगी सब लोगों के सामने आपको थैंक यू बोलने की, बिकॉज मामा इज़ द वन हु गेव मी दिस गिफ्ट ऑफ द फैमिली. He was the one who made the matchmaking, basically. So thank you, Mama ji, itni pyari family ke liye. Thank you so much. Thank you so much, Diksha. So, कहीं भी जिसके भी रिश्ते नहीं हो रहे हो, please पंडित सचिन को contact कर. ये भी आप में कला है सचिन भाई. Okay. So now, मैंने कहा we are done and now let's anybody else. I think that's it. Okay. Superb. So now what we're gonna do? मेरे पास exactly 7 minutes है. So what we're gonna do? आप थोड़ा सा side में खड़े हो जाएंगे. हम सचिन भाई के, देखो किसी के इंसान के 50 साल कंप्लीट होना मतलब बहुत बड़ी बात है. कुछ मोमेंट्स कैप्चर किए होंगे, तो मेरे पास ना कुछ 4-5 रैंडम फोटोज आए हुए हैं. सो वो मोमेंट को हम रिक्रिएट करने वाले हैं. सो जो फोटो में ये लोग रहेंगे, आपको यहीं पर आना है और सेम लाइन में खड़े होना है एंड ये तस्वीरों को नेक्स्ट 50 साल के लिए कैद करना है. बिकॉज दिस इज द मोमेंट दोस्तों, दिस इज सचिन भाई की फैमिली. रैंडम फोटोज लिए मैंने, प्लीज सॉरी अगर मैं किसी को मिस आउट कर दूंगा तो. सो लेट्स हैव द फर्स्ट फोटो एंड फर्स्ट फोटो आने के बाद जो जो इस फोटो में है सेम पोज में यहां पर खड़े रहेंगे, 50th बर्थडे को स्पेशल करेंगे. लेट्स डू दिस. कैन वी हैव द म्यूजिक प्लीज. सो फर्स्ट फोटो, 3 sisters एंड ब्रदर एक साथ सेम पोज में. ये तस्वीर है दोस्तों, ये तस्वीर को हमें कैद करना है, 50th बर्थडे को स्पेशल बनाना है. कैन वी हैव द सिस्टर्स ऑन स्टेज, सेम पोज में खड़े रहेंगे. ये तस्वीर है, ये तस्वीर है ख्वाबों के रंगों की, खुशियों की, सपनों की, अपनों की. ये तस्वीर है जादू के लम्हों की, मेरे दिल के सभी कतरों की. मेरे दिल की ये बगिया है जैसे गुलशन की गलियां है, यहाँ हर फूल 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 ब्यूटीफुल.
Yeah, please come on, make some noise for them. एक फोटो हो जाए बस, बहुत प्यारे दिख रहे हो. There you go. तकरार है मगर प्यार बिखरा पड़ा. अगले फोटो में कौन है, म्यूजिक कौन रखेंगे? एंड इट इज उनकी शादी का वो समय. ऑल राइट, तो मनीष जी भी यहाँ पर आए और थोड़ा वो माहौल एकदम वैसे बनाएंगे. दुल्हन बरखा जी और एग्जैक्टली ये. कम ऑन, मेक सम नॉइज गाइस, कम ऑन. देख कर आंख है चल की 50 साल खून के रिश्तों की make some noise. Aap log, you know, for how many years of marriage? 25 years. Wow, sahi hai. To ek kaam karte hai, for this couple, for all the couple in the house, प्यार होता है, झगड़ा होता है, ये हमें रखना है. 50 साल तक ऐसे जिंदगी निकाली है. स्पेशली फॉर द जेन ज़ीज़ इन द हाउस, मिलेनियल्स इन द हाउस, प्यार को बनाए रखिए. और ये गाना सभी के लिए डेडिकेटेड है. ऑल द 5 सेक्शंस सचिन भाई की तरफ से फॉर द एंटायर फैमिली. सचिन भाई एंड यू प्लीज कैन हियर द सेंटर, कैन यू म्यूजिक प्लीज. एवरीबॉडी विल सिंग द सॉन्ग लाउडर. ओ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ. लाउडर, कम ऑन. हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ. Thank you so much, guys. All right, so cake cutting team तैयार है. I have a very short time. So उसके पहले कि मुझे बोले कि निकल जाए, उसके पहले बोल देता हूँ. Okay, so let's do this. We have the cake cutting. मैं family members को stage पे बुलाना जा रहा हूँ. So okay, सबसे पहले give it up to the dad. Can you do that song? जो भी है सचिन भाई, because of the parents and Mr. R.C. Bansal, please center pe aayenge. I'm calling the entire family on the stage. Aayi, please. Come. Clap, please, clap, everybody. The father in the house. Thank you so much. Can I have their 3 daughters with the damad and bacche? All the 3 sisters, come on. Music, please. Can you have the cake on the table quickly? Damad ji angna mein padhare. All the damads. Okay. राम रतन चाचा जी, शीला चाची जी, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज? और उनके बच्चे, मतलब विद द फैमिली. राम रतन चाचा जी, शीला चाची जी, सत्यनारायण चाचा जी, शांति चाची जी, विद द फैमिली ऑब्वियस, ऑफ कोर्स. यू आर द पिलर्स ऑफ बंसल फैमिली, ऑफ द मैन सचिन बंसल, जो जाने ही जाते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए. यार, आई हैव नोन हिम पर्सनली, इज अ वेरी हेल्पफुल मैन.
and that's what it is. I call Santaram Chacha Ji, Padma Chachi Ji and the family on stage. Jai Kishan Phupa Ji, Ramkali Bhau Ji with family, kripa karke please manch pe pada rahe. Rajkumar Ji, Phupa Ji, Kalavati Bhau Ji, aapse nivedan hai please with your family stage par pada rahe. Ram Nivas Ji and Lakshmi Devi Ji, unke mother-in-law, father-in-law, can we have you on the stage? Sumit Ji, Priyanka Ji, can we have you on the stage? Chandu Bhaiya, can we please have you on the stage? You are the important pillars. Please stage par aayenge. Praveen Ji, Yogita Ji, with your family please. Manch pe bata rahe. Ek special moment hai, cake cutting, aap sab yahan par aaye hain. On behalf of him, I want to say thank you. बहुत-बहुत धन्यवाद. शुरुआत में कहा था time is money. समय निकाल कर यहाँ पर आना बहुत important है. So thank you so much for that. And I think the entire family is here. एक सभी सकल में खड़े हो जाएंगे सभी दोस्तों. केक कट करने के लिए तैयार हैं हम. I think we have more. So interesting part about this thing is ये जो केक है इट्स विदाउट शुगर ऑब्वियसली. शाह सर है यहाँ पे तो नॉर्मल केक हो नहीं सकता. सो वी हैव गॉट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. सो इट्स अ ड्राई फ्रूट केक जो कि खाने में भी आपको परोसा जाएगा. सो लेट्स हैव अ सेमी सर्कल बना लेंगे प्लीज. एक बड़ा सेमी सर्कल. आई वॉन्ट एवरीबॉडी द ओल्ड पीपल जो पीछे खड़े. ओके आई मिस वन. डॉक्टर गिरीश शाह प्लीज सर कैन वी हैव यू ऑन द स्टेज. And with his wife, Mrs. Shah. Are you here? Yes, ma'am. Please. Chalo, let's do this. मैं क्या बोल रहा हूँ, एक semi-circle form कर लेते. थोड़ा सा पीछे वाले इधर आ जाइए. आधे उधर, आधे इधर. ऐसा कुछ नहीं है जेंट्स लेडीज यार, ऐसा कुछ नहीं है. आओ आओ भाई लोग, आओ इधर. वाओ, यू हैव बीन अ फैंटास्टिक ऑडियंस गाइस. वी आर रेडी फॉर द केक कटिंग. ओके चलो रेडी. अच्छा लाइट. क्या आपने सोचा है कि वो कैसे चल गया? अंदर से चला है वो. अतुल शाह सर की आवाज में कहूं तो वो अग्नि है, अग्नि. ओके ऑलराइट. आई थिंक अतुल जी सर आप भी प्लीज आएंगे. यू हैव चेंज द लाइफ ऑफ मेनी पीपल सर. इट वुड बी एन ऑनर. किन की वाइफ को? अतुल जी की वाइफ को. सर यू आर मैरिड सर? मुझे लड़कियां पूछ रही थी. दो साल में 50 सेलिब्रेट करने वाले. ओ भाई सचिन भाई वो सब छोड़ो, मेरा नंबर इनको दे दो. यस भाभी को भी बुलाओ प्लीज. अतुल जी की वाइफ कहाँ है प्लीज मैम? ओके चलो ठीक है. रेडी? वी आर रेडी इन थ्री. Hold on. Okay. यार 75 नहीं करना था, कितने हो गए? Okay. Let's cut the cake. एक मिनट सचिन भाई. All right. वाइफ के पास बस यही, बस चाकू मत दिखाना, थोड़ा डेंजर हो जाएगा सीन. बर्थडे आज ही आपका. सो मैं 10 बोलूंगा, आप 9 बोलेंगे. 8 7. Are you ready? Let's do this. 10 8 6 4, 2, and let's cut the cake! Bar bar dil ye aaye, bar bar dil ye gaaye, bar bar dil ye aaye, bar bar dil ye gaaye, tu jiye hazaron saal, ye meri hai aarzoo. Sachin, happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये जाए, तुझी हजारों साल ये मेरी है यार तू। Please enjoy the dinner outside. Saath bhi khana hai and I think there is a good amount of food. Very amazing food. Wishes ke liye Sachin bhai ke paas aayenge. And thank you so much once again. You have been a fantastic audience, guys. Western Events ki aur se I was your host, Vishnu Chakravarti. Bahut bahut shukriya sabhi ka. गर्लफ्रेंड का एक्स क्यों हो गए सारे जंगली क्यों हो गए सारे जंगली क्यों हो गए होके 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 सारे जंगली हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे आज पजामा पकड़ के पट्टे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे आज तो पार्टी जब तक फटते नाच पजामा पकड़ के पट्टे जब तक फटते नाच पिजामा पकड़ के पट्टे बर्थडे है भाई बर्थडे है तेरे भाई का बर्थडे है कैंडल्स बुझ गई अब सब में केक बट्टे है चिक सारी हॉट यहाँ पे कैम सारे ठंडे है हेलो हेलो तू मुझे मुंडी लगाई येलो येलो
तेरा ओए मुझे बड़ा तड़पावे तू देख तो आज भी दिल पर थोड़ी ये चीर जाएक चल जावे कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी हेलो हेलो दिल दिल से कोने ऑलराइट थैंक यू सो मच दोस्तों जिनका स्टेज पर हो गया है रिक्वेस्ट डिनर की ओर प्रस्थान करें सभी प्लीज प्लीज हैव डिनर एंड देन ओनली गो धन्यवाद Chica girl, ain't nobody got me going better than my chica girl. Chica chica chica, that's my chica girl. Ain't nobody got me going better than my chica girl. Tum hi tum ho jo raahon mein, tum hi tum ho nigaahon mein. Kisi din to mere dil ko to khona hi tha. तुम्हें देखा तुम्हें चाहा तुम्हें ढूंढा तुम्हें पाया तुम्हें पाके हुआ है जो वो होना ही था चलो अब जो भी हो तुम्हारा या ना कहो मेरे दिल में तुम ही तुम हो अब तो forever never bring it on bring it on bring it on jana सर पे डाले है ये चुनिया क्यों हाँ क्यों हो सोनी सोनी सी कुड़ी नो मौज में रहने दे ना दुनिया क्यों हाँ दुनिया क्यों है कितनी शानदार कुड़ी ये कर देगी कमाल इसे झूमने दे अपनी बीट दे कुड़ी नो नचने दे हाँ नचने दे तू आज लगाने दे ढूंढ के हाँ चमके कुड़ी नू नचने दे हाँ नचने दे तू सारे या फिक्रा नू छड़ के बन ठन के कुड़ी नू नचने दे हाँ नचने दे तू आज लगाने दे ढूंढ के हाँ चमके कुड़ी नू नचने दे हाँ नचने दे तू सारे या फिक्रा नू छड़ के बन ठन के कुड़ी नू नचने दे आज के हम रूप
Hey guys, such an announcement. If any friends, Sachin bhai ke jitne bhi friends hai on the stage, this song is for all the friends in the house because family ka to ho gaya, but friends are important. Let's have the one for you. Music. जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार ना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना मेरी जिंदगी सवारी मुझको बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा यार कहाँ तो मैनू कोई दसदा नहीं मैं तलाया बड़ा दिल